Hey everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to revise interest rate risk management chapter. सारे lectures complete हो गए, सारे questions complete हो गए sir. आपने discussion भी किया, concept समझा, concept को दिमाग में डाला, आपको सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप बहुत सारी चीज़ें इसमें से भूल जाओगे. ये चीज़ का डर आप में होना चाहिए. ये डर हटाने के लिए सर एक ही सोल्यूशन है, वो है रिविजन. आप कि रिवीजन हर चैप्टर की कंटिन्यूस बेसिस पे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो क्लासेस का, आपकी मेहनत का रिजल्ट आए. तो इसके लिए सर उपाय क्या है? या तो सेल्फ स्टडी के कुछ नोट्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, रिवीजन वीडियो होने चाहिए, रिवीजन ऑडियो होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिससे कि पर्पज़ क्या है, जिससे कि हमारा सारा चैप्टर कम समय में रिवाइज हो जाए. अब यह है हमारा चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स, बट इम्पॉर्टेंट. सो डिस्कस करते हैं सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में. सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर इंटरेस्ट रेट के बारे में. इंटरेस्ट रेट होता क्या है सर? जब भी हम पैसा निवेश करने जाते हैं, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, और जब भी हम पैसा उधार लेने जाते हैं यानी कि बोरोविंग, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है. जब आप उधार लेते हो या निवेश जब करते हो तो आपको एक इनकम होती है, उस पर उसे कहा जाता है इंटरेस्ट जो आपको मिलता है. और जिस परसेंटेज पे ये आपकी कमाई होती है या कीमत चुकानी पड़ती है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट रेट. दूसरा क्वेश्चन आता है सर कि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कैसे होते हैं, मार्केट में कैसे पता चलता है कि क्या इंटरेस्ट रेट है. कई सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं. उसमें से मेजर तीन जो फैक्टर है वो ये है सर जो आपको याद रखना है. मतलब सिलेबस के हिसाब से चलेंगे ना हम. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सप्लाई एंड डिमांड. मार्केट में कितनी डिमांड है पैसों की, बोरोविंग की, तो उससे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, लोन और महंगा होगा. अगर मार्केट में बोरोविंग्स की या पैसे की डिमांड बहुत है तो. मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो बोरोविंग्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगा. साथ ही साथ डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता और गिरता है, क्योंकि अगर मार्केट में पैसे की डिमांड है, ठीक है, कोई अगर पैसा मांगना चाहता है तो उसके पास पैसा होना भी तो चाहिए. इधर निवेश करने का भी, जो इन्वेस्टमेंट करने का भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ता जाएगा. ओके, सेकंड फैक्टर है सर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के साथ में. और तीसरा है सर गवर्नमेंट. क्यों? गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट बोरोवर इन इंडिया, तो गवर्नमेंट के एक्शन पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ ऊपर या नीचे जाएगा. इनफैक्ट आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई या इंटरेस्ट रेट मान लो बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, तो मनी सप्लाई जो है वो आरबीआई उसके मनी सप्लाई के थ्रू यानी इंटरेस्ट रेट कम करके या इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पूरी इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कंट्रोल करेगी. सो ये चीज़ आप कहाँ पढ़ चुके, आपको याद भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो CA इंटरमीडिएट चैप्टर पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में इकोनॉमिक्स का पार्ट बी था, उसके अंदर में एक चैप्टर था मनी सप्लाई वाला. वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देखी थी. आइए सर आगे बढ़ते हैं, हमारे इस चैप्टर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसका. तो आपने पहला टॉपिक क्या देखा पता है? आपने पहला टॉपिक देखा कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है. अब ये जो रिवीजन है मैं आपको दोनों चीज़ों के थ्रू करवाऊंगा, चार्ट्स के थ्रू भी और अपने नोट्स के थ्रू भी, क्योंकि जब सारे लेक्चर देखे तो हमने नोट्स ज़्यादा देखे हैं, तो नोट्स आपको ज़्यादा कन्वीनियंट जाएंगे समझने के लिए. तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, सप्लाई डिमांड इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट. उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आता हूँ सर, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है. बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से समझो. इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, बहुत ही सिंपल. जब भी कभी इंटरेस्ट रेट में बदलाव की वजह से, बदलाव कैसे होते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं उतार और चढ़ाव. इंटरेस्ट रेट में उतार और चढ़ाव की वजह से हमको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उसे कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क. कि यहाँ रिस्क है सर, अगर इंटरेस्ट रेट बदला तो रिस्क है. एग्जाम्पल की मदद से अपन को ज्यादा समझ में आएगा. सो ध्यान देंगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये है जीरो टाइम, ये है मान लो 6 महीना, ये है 12 महीने. हमको लोन चाहिए,
बोरोइंग्स की बात करते हैं, हम कौन है? बोरोवर, बैंक से लोन लेने जाएंगे। आज नहीं चाहिए सर, हमको लोन चाहिए 6 महीने बाद। आज अगर मैं लोन लेने जाता हूँ तो मार्केट में 8% पे लोन मिलता है। डर है सर कुछ, तो डर ये है कि कहीं 6 महीने बाद जब मैं लोन लेने जाऊँगा, मैं उधार लेने जाऊँगा, तो मार्केट में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 10% ना हो जाए, या 11 ना हो जाए, या 12 ना हो जाए। याद रखना, जो भी बोरोवर है यानी लोन लेने वाला है, उसे नुकसान कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं या बढ़ने वाले होते हैं, या उसे डर लगता है कि कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। और जो डिपॉजिटर होते हैं यानी हम कहेंगे इन्वेस्टर्स, उसे डर होता है कि कहीं इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए आने वाले समय में। तो ये है सर रिस्क, कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बोरोइंग के टाइम पे, तो अननेसेसरी उस 100 करोड़ पे आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। और कौन चाहता है? कोई भी रैशनल पर्सन ये नहीं चाहता कि उसके जेब से ज़्यादा पैसा जाए, सिंपल सी बात है। तो आप चाहोगे कि 8 से 10% आपको देना पड़े बोरोइंग में? डिपॉजिट की बात आएगी तो आप लेने के लिए जरूर तैयार हो जाओगे। तो डिपॉजिटर के केस में ये फेवरेबल सिचुएशन बन जाती है, बोरोवर के केस में ये अनफेवरेबल सिचुएशन बनेगी, अनफेवरेबल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट रेट। ध्यान देना, लोन के केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क होता है, और डिपॉजिट के केस में इंटरेस्ट रेट गिरने का रिस्क होता है। इनफैक्ट बॉन्ड के केस में भी अगर मैं बताऊं आपको, चैप्टर नंबर था आपका सिक्योरिटी, सॉरी चैप्टर था आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन। इस चैप्टर में तीन चीज़ों का वैल्यूएशन देखा, इक्विटी, प्रेफरेंस और बॉन्ड। बॉन्ड वैल्यूएशन में भी अगर आपको याद होगा तो हमने एक रिलेशनशिप देखा था यील्ड टू मेच्योरिटी का बॉन्ड की प्राइसेस के साथ में। तो हमने वहाँ पे देखा था कि अगर YTM बढ़ता है तो असेट की वैल्यू यानी बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ द इंटरेस्ट रेट एंड द असेट्स वैल्यू। तो यहाँ पे मतलब उस चैप्टर में असेट क्या था सर हमारा? उस चैप्टर में असेट था बॉन्ड। तो ये एक चीज़ भी आपको याद रखना है कि लोन और डिपॉजिट अपने केस में अगर किसी असेट पे आप इन्वेस्टमेंट है तो असेट की वैल्यू भी बदल रही है, बॉन्ड की प्राइसेस मार्केट में बदलती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो गिरेगी, गिरा तो बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं सर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये 6 टाइप है जो कि हमको सिलेबस में देखना है, चार्ट्स के थ्रू आते हैं सर। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क? सबसे पहले सर, गैप एक्सपोजर। गैप एक्सपोजर क्या होता है? 6 टाइप है टोटल आपके पास में। तो गैप एक्सपोजर क्या है सर? इट्स वेरी इजी, बैंक के नजरिए से देखो। ये है सर हमारी बैंक। बैंक का काम क्या है? बैंक में डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपना पैसा बैंक को देते हैं, और बैंक वही पैसा किसी और को लोन पे देती है। तो इधर में बोरोवर्स होते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, मेन ये काम होता है बैंक में कि कुछ लोग पैसा जमा कराते हैं और वो पैसा बैंक बोरोवर्स को मतलब उधर में लोन के रूप में देती है। तो सिंपल सी बात है, बैंक ने इधर इंटरेस्ट देना है इनको, क्योंकि इन्होंने पैसा जमा कराया। तो जैसे सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट मान के चलता हूँ, तो 4% इंटरेस्ट देती है बैंक, और यही बोरोवर्स बैंक को पैसा देते हैं। तो बोरोवर्स को जो रेट लगाया जाता है, लेट से 10% लगाया जा रहा है, यानी जो 100 रुपये बैंक ने पहले लिए उस पर 4% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट दे रही है, और 10% के हिसाब से उनसे इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि यही 100 रुपये बैंक ने उनको दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। बैंक के लिए किसी भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आना एक रिस्क होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। अगर बैंक के लिए ये अच्छा, बैंक को नुकसान कब हो सकता है? ध्यान दो, अभी अपन निकालते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके। 100 रुपये पे 4% यानी 4 रुपये देना पड़ता है, बैंक का खर्चा है, और 10 रुपये बैंक की इनकम है, तो टोटल 6 रुपये बैंक की इनकम है। ये तो समझ में आ रहा है आपको। अब अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट बदल गया तो बैंक को फायदा या नुकसान हो सकता है। हम बात करते हैं रिस्क की यानी नुकसान की। 4% अगर गलती से 5% हो गया तो यहां 5 रुपए देने पड़ेंगे, 10 आएगा, तो आपकी इनकम जो है नेट इंटरेस्ट इनकम NII,
ये कम हो जाएगी 6 रुपए से 5, यानी डिपॉजिट का रेट ये वाला रेट बढ़ने से या वो वाला रेट गिरने से बैंक की इनकम कम हो जाती है। तो ये जो 100 रुपए का बैंक के पास में था इनकी तरफ से, इसे कहा जाता है रेट सेंसिटिव असेट्स, रेट सेंसिटिव असेट्स। और यही 100 रुपए जो बैंक ने इधर में दिया इसे कहा जाता है रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, असेट और लाइबिलिटी। असेट क्योंकि उस पर हमें कमाई होती है, लाइबिलिटी क्योंकि, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोलना था। ये जो बैंक के पास में है वो है रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, क्योंकि पैसा जो डिपॉजिट कराया गया है बैंक के पास में ये बैंक की लाइबिलिटी है, और ये जो बोरोवर को पैसा दिया है ये बैंक का असेट है, रेट सेंसिटिव असेट्स है। अब ध्यान देना, हमारा गैप एक्सपोजर हम कैसे निकालते हैं कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स माइनस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, हमारे पास में असेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज कितनी हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव। सो अ पॉजिटिव और असेट सेंसिटिव गैप मीन्स दैट द इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट कुड कॉज एन इंक्रीज इन द नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि हमारा असेट ज्यादा है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव आया गैप एक्सपोजर, अगर पॉजिटिव आया यानी कि हमारे पास में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऐसे असेट्स जो इंटरेस्ट रेट बदलने से हमारे को नुकसान दे सकते हैं या फायदा दे सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सारे मत पकड़ के चलना। एक लॉजिक माइंड में आपके आएगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लॉजिक ये है सर कि देखो, बैंक के पास जो पैसा आएगा उससे ज़्यादा तो बैंक लोन दे नहीं सकती, तो कभी भी असेट लाइबिलिटी से ज़्यादा कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? क्योंकि हम सिर्फ असेट और लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे सर, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज की। ठीक है, यानी कि सिर्फ इतने असेट्स और सिर्फ इतने लाइबिलिटीज जो फ्लोटिंग रेट पे है, जिनका रेट इंटरेस्ट रेट बदलने से हमारी इनकम एक्सपेंस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, उतने ही असेट्स लेने। अब जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था सेविंग अकाउंट का 4% का, ये फिक्स है, ये बदलता नहीं, तो वो लाइबिलिटी में कंसिडर ही नहीं होगा। भले ही पैसा आपको इधर में आ गया, वो लाइबिलिटी में कंसिडर ही नहीं होगा। सो लेट से मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 50 और 50 करके, अरे यार हाँ, 50 और 50 करके बैंक में जमा कराया, बैंक के लिए लाइबिलिटी तो दोनों है लेकिन ये फिक्स रेट पे है मान लो और ये है फ्लोटिंग पे, मतलब बैंक इस 50 लाख या 50 करोड़ पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट देती है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अब यही बैंक ने पैसा इधर में दे दिया 100 रुपये और सारा का सारा फ्लोटिंग पे दिया, तो अब अगर आप देखोगे ना तो बैंक के लिए जो इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटी है वो है सिर्फ 50 और बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट जो है ये पूरे 100, तो आ गया पॉजिटिव। मैं आपको प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सो डोंट इंक्लूड द लॉज एंड द RBI एंड और बहुत सारी चीज़ें आती है जब आप बैंक की बात करते हैं तो उसमें। सो सिंपल लैंग्वेज में इतनी बात, तो कहानी क्या आती है सर, रिस्क क्या है? जो हमने लोन दिया दैट शुड बी ग्रेटर देन जो हमने डिपॉजिट लिया, सेंसिटिव असेट्स एंड सेंसिटिव लाइबिलिटीज, या मैं बोलूँ सेंसिटिव लोन एंड सेंसिटिव लाइबिलिटीज डिपॉजिट्स। तो अब अगर ये अमाउंट ज़्यादा आती है इसका मतलब क्या है कि हमारा गैप पॉजिटिव है। अब हमारा गैप पॉजिटिव होने की वजह से, यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, गैप एक्सपोजर रेट सेंसिटिव असेट्स माइनस रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, लेट से 100 रुपये और ये है 80 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब इस पर हमको इंटरेस्ट रेट लग रहा था 8% मिल रहा था 10% का, और इस पे हम चुका रहे थे लेट से 6% से, तो 10 रुपये इससे कमाई होगी, माइनस 8 80 पे 6% यानी कि 4.8, हमको कितना 5 रुपये 20 पैसे की कमाई है नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो क्या होगा, दोनों के 1-1% से बढ़ा के देखो, तो आप एक काम करो, यहाँ इसको कर दो 11% और यहाँ इसको कर दो 7%, और फिर से कैलकुलेशन करके देखो, तो यहाँ आएगा सर आपका 11 रुपये और यहाँ आएगा
5.6, तो आंसर कितना आएगा आपका? 5.4, 5.4। अब आप बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से, 10 का हमने 11% कर दिया, 6 का 7% कर दिया, दोनों रेट आपने बढ़ा दिए एक एक परसेंट से, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से क्या आपको लगता है आपकी इनकम बढ़ गई? यस, क्योंकि जो हमारा गैप था ये पॉजिटिव था। ठीक है, अ पॉजिटिव और असेट सेंसिटिव गैप मीन्स दैट एन इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट कुड कॉज एन इंक्रीज इन द नेट इंटरेस्ट इनकम। उसी का उल्टा, अगर नेगेटिव और लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप होता तो अब अगर इंक्रीज होता ना इंटरेस्ट रेट तो आपको नुकसान होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, खत्म करते हैं इसको कहानी। सो लेट्स से आपके पास में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स है 90 के, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज है कुछ 100 की, तो अब आपका जो एक्सपोजर है ये नेगेटिव का है, गैप जो आ रही है ना दोनों के बीच में वो है नेगेटिव, और इंटरेस्ट रेट लेते हैं इस पे 10% और इस पे 7%, तो हमारी कमाई यहाँ पे 9 की है, 90 9 की, और यहाँ हमारी हमारा जो खर्चा है वो है 7 का, तो टोटल कमाई 2 रुपये की आ रही है, नेट में तो कमाई हो रही है। लेकिन अब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देखो, आप इसको कर दो 11%, आप इसको कर दो 11% और इसको कर दो 8%। ठीक है, तो लॉजिक आपका बैठेगा यहाँ पे, यहाँ आप 11, सॉरी 9.99, सो 9.9 की आपकी कमाई दिख रही है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो है 8 का, तो 9.9 माइनस 8 आ गया आपका 1.9, यानी दिख रहा है आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 2 रुपए से गिर के 1 रुपए 90 पैसे पे आ गया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा। क्यों? क्योंकि गैप आपका नेगेटिव था। ठीक है सर, तो गैप एक्सपोजर आपको समझ में आया। पॉजिटिव और नेगेटिव गैप इज मल्टीप्लाइड बाय द अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट चेंज टू डिराइव द अर्निंग्स एट रिस्क। अब अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि अर्निंग्स एट रिस्क निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, कितने का नुकसान दिखा आपको यहाँ पे पहले वाले केस में? 20 पैसे का, 0.20, करोड़ में होता तो 0.20 करोड़, और यहाँ 0.10। क्या कोई और तरीका है सर जिससे ये निकाला जा सकता है? पॉसिबल है। आपका गैप कितना था ये पहले बताओ, यहाँ पे आपका गैप था सर 20 का। ठीक है, 20 का गैप था ना, और इंटरेस्ट रेट में बदलाव 1% से आया बाद में, सो द गैप मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल गिव यू द अर्निंग्स एट रिस्क, उतना ही अमाउंट। सो फॉर्मूला बनता है आपके यहाँ पे, अगर आपको जगह हो चार्ट में तो चार्ट्स में लिख लो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सो अर्निंग्स एट रिस्क इज इक्वल टू अ वैल्यू एट रिस्क, देखा था चैप्टर नंबर जो रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर था, अर्निंग्स एट रिस्क इज इक्वल टू गैप जितनी भी आ रही है मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दूसरा भी किस्सा देख लो, यहां पे गैप कितनी थी सर? -10 की गैप थी। ठीक है, और यहां पे परसेंटेज चेंज 1% का हुआ तो आपका आ गया -0.10, 0.10। सो दिस इज अर्निंग्स एट रिस्क, या फिर आप साइन भी हटा दो तो अर्निंग्स इतनी रिस्क पे है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा रिस्क आता है सर बेसिस रिस्क। अभी अपन चलते हैं चार्ट्स के थ्रू, रेट सेंसिटिव असेट्स हो गया, अब आता है सर बेसिस रिस्क। बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिस रिस्क कहाँ का? अभी तक हमने जो देखा हुआ था सर गैप एक्सपोजर सिर्फ, और बेसिस रिस्क किसे कहते हैं मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी, इसी डायग्राम से इसी टेबल से समझाता हूँ। मान लो बैंक के पास में लोन बैंक ने दिया हुआ है, ठीक है, और फ्लोटिंग रेट पे दिया हुआ है जिसका बेसिस है 3 मंथ ट्रेजरी बॉन्ड, और बोरोविंग जो है वो है 3 मंथ्स का लाइबॉर। बोरोविंग मतलब बैंक ने पैसा लिया, तो बैंक की तो लाइबिलिटी हो गई है, जो बच्चे बोलता हूँ सर पब्लिक जमा कराती है बैंक के पास में, तो बैंक उस पे 1% दे रही है, दिख रहा है 1% बैंक दे रही है, और बैंक ने वही पैसा लोन पे दिया, बैंक ने वही पैसा लोन के रूप में दिया जिसपे 3.25% बैंक कमा रही है। अच्छा, तो दोनों रेट फ्लोटिंग है, लोन पे इस रेट से कमा रही है 3 मंथ ट्रेजरी बॉन्ड से, और बोरोविंग पे 3 मंथ लाइबॉर से पे कर रही है। दोनों केस में जो इंटरेस्ट रेट है इसका बेसिस अलग अलग है,
बेसिस का मतलब होता है ये अंडरलाइंग असेट, यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड्स बेसिस है, यहाँ पे लाइबॉर बेसिस है। अब क्या होता है, ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, अब कितने चांसेस आपको लगते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा तो लाइबॉर का भी 1% से बढ़ेगा? चांसेस नहीं है सर, दोनों के सेम रेट से बढ़ेंगे, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दूसरे पीरियड में क्या हुआ, ध्यान देना, जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो सिर्फ 1% से बढ़ा, लेकिन हमारा जो लाइबॉर है वो 2% से बढ़ गया। तो हुआ क्या, 3.25 जिस पे हम कमा रहे थे वो अब हो गया 4.25। कमाई तो 1% से बढ़ गई, लेकिन खर्चा आपका 1 का हो गया 3, 2% से खर्चा बढ़ गया। तो पहले जो आप 2.25% कमा रहे थे वो अब हो गया 1.25, और ये कमाई आपकी हो गई कम, नेट इंटरेस्ट इनकम आपका हो गया कम। क्यों? क्योंकि जो बेसिस था उसमें जो इंटरेस्ट रेट का बदलाव आया वो सिमिलर नहीं था। 1% 1% होता तो सेम रहता, 2% 2% होता तो सेम रहता, लेकिन बदलाव सेम नहीं था। मेच्योरिटी सेम है सर, 3 मंथ 3 मंथ दोनों की, लेकिन इंटरेस्ट रेट बेसिस का फर्क पड़ गया क्योंकि दोनों का बेसिस अलग अलग था। यहाँ पे एक चीज आप पढ़ेंगे, द रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट असेट्स लाइबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अंडरलाइन करने वाली चीज ये है, अलग अलग लेवल पे बदलेगी। एक 1% से बढ़ा तो दूसरा 2% से बढ़ गया, और इससे हमारी इनकम कम हो गई। ये था सर आपका बेसिस रिस्क, और दूसरा है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। अब आपको समझ में आना चाहिए एम्बेडेड ऑप्शन होता क्या है। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज की प्राइस, किसी असेट की प्राइस किसी और चीज पे डिपेंड करती है और वो और वाली चीज बदलते रहती है, तो इस असेट की प्राइस, इस असेट को, इस असेट के अंदर एक एम्बेडेड ऑप्शन है ऐसा कहा जाएगा। एग्जाम्पल, आप सोना खरीदने जा रहे हो, गोल्ड। अब गोल्ड की मार्केट में जो भी प्राइस है 30-35 हज़ार रुपए आप चुका के ले सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट जो है गोल्ड मर्चेंट के साथ में वो ऐसा है कि सर गोल्ड की प्राइस तो सबसे पहले डिपेंड करती है सेंसेक्स पे। आज अगर गोल्ड 30 हज़ार का है और सेंसेक्स मान लो 40 हज़ार का है, तो आज से ठीक 6 महीने बाद मैं आपसे गोल्ड खरीदने आऊंगा और उसकी प्राइस डिसाइड होगी सेंसेक्स में जो चेंज आता है उससे, अगर ऐसा एग्रीमेंट है। यानी कि आपका दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड खरीदना, और एम्बेडेड ऑप्शन है सेंसेक्स की, सेंसेक्स जो आपने इसके अंदर में फिक्स कर रखा है। गोल्ड की कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड की प्राइस सेंसेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में, सो दिस इज एन एम्बेडेड ऑप्शन। नाउ अगर 6 महीने में सेंसेक्स 40 हज़ार का हो गया 44,000, इसका मतलब सेंसेक्स कितने परसेंट से बढ़ा, 10% से। इफेक्टिवली आपका जब गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वो गोल्ड भी आपको 10% महंगा मिलेगा, यानी 33,000 का। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया एम्बेडेड ऑप्शन क्या है। बैंक्स को भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव, बहुत सारी चीजें है पता है इसमें एम्बेडेड ऑप्शन में, इंटरेस्ट रेट कहीं और बदलता है और इम्पैक्ट कहीं और पड़ता है। अब जैसे सेंसेक्स बदला तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, किसी के गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ गया, किसी देश के किसी कोने में कोई दो लोगों ने मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो, सो पड़ता है, बैंक्स को भी पड़ता है। इंटरेस्ट रेट कम अगर हो गए, बढ़ अगर गए, तो प्री पेमेंट का रिस्क होता है बैंक्स को। यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर मान लो कम हो गए, ठीक है, तो आपने लोन लिया था, यहाँ पे आपने लोन लिया था 10, अबे यार 10% पे, ठीक है, आपने लोन ले लिया था, चल रहा है सर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक चलाया, और चौथे साल में इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर के 6% हो गए, आप क्या करोगे पता है, नया लोन लोगे। और यह लोन मान लो 100 करोड़ का लिया था और ये है 100 करोड़ का लोन, अब आप चौथे साल के एंड में नया लोन लोगे 100 करोड़ का, उस लोन से ये वाला लोन पहले चुका दोगे तो आपका 10% खत्म, और 5वें साल से आपको सिर्फ 6% चुकाना पड़ेगा,
नए वाले लोन का। कितना सही है, तो समझा, कहीं और से लोन लिया और कहीं और प्री पे कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना हो जरूरी है, ये एक सेंटेंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट क्रिएट करता है अनदर सोर्स ऑफ रिस्क टू द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय एनकरेजिंग प्री पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, प्री पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स एंड एक्सरसाइज ऑफ कॉल पुट ऑप्शंस ऑन द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट बिफोर देयर स्टेटेड मेच्योरिटीज। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हो रही है कि कैश क्रेडिट है, लोन्स है, टर्म लोन्स है, तो वो प्री पेमेंट हो जाएंगे, कॉल और पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकते हैं, आपके टर्म डिपॉजिट प्री मैच्योर विड्रॉ किया जा सकता है। एग्जाम्पल अभी जैसे लोन का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने जमा करा के रखा है 10 सालों के लिए, पैसा जमा करा के रखा है और FD का रेट मार्केट में चल रहा है 8%, ठीक है, उस रेट, मतलब आज मैंने जमा कराया 8%, 8% की मेरे को कमाई हो रही है, तो मुझे यहाँ 8% का इंटरेस्ट मिला, 8 मिला 8 मिला 8 मिला। अब मार्केट में यार FD के दूसरी जगह पे भी बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको विड्रॉ कर लूँगा, जो मेरी अभी तक टर्म डिपॉजिट चल रही है, सॉरी मेरा जो अभी तक चल रहा है FD, उसको मैं विड्रॉ कर लूँगा और फिर से इन्वेस्ट करूँगा, और जब इन्वेस्ट करने जाऊँगा तब 10% का, तो मुझे अगले साल से 10% की इनकम होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे है, बैंक पेनल्टी चार्ज करती है अगर आप पहले विड्रॉ करते हो तो, प्री मैच्योर विड्रॉल पे, एंड दैट इज़ अराउंड 1%, तो भी आपको पुराता है, मतलब बेनिफिशियल है। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क का एक और एग्जांपल। मान लो बैंक ने मॉर्टगेज के भरोसे कोई लोन दिया है, 15 साल का मॉर्टगेज है, मतलब टर्म है 15 साल का, और जिस पे बैंक 7% कमा रही है, ठीक है, और उसके बाद में बैंक ने जो टाइम डिपॉजिट है, बैंक में जो आप पैसा जमा कराते हो ना कुछ टाइम के लिए, टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड यानी कभी भी पैसा निकाल लो ATM से, टाइम डिपॉजिट यानी कि जो आप FD वगैरह बनाते हो जिसमें कंफर्म होता है बैंक को कि ये 5 साल के पहले तो पैसा निकलेगा ही नहीं, 3 साल के पहले तो पैसा निकलेगा ही नहीं, तो ये टाइम डिपॉजिट पे बैंक पे कर रही है 4%, और यही पैसा उन्होंने लोन में दिया 15 साल के लिए 7% पे। अब कहीं अगर प्री मैच्योर हो जाता है, ध्यान देना क्या होता है, या तो ये लोन कोई पहले चुका देगा या तो पहले कोई पैसा मांग लेगा आपको, विड्रॉ कर लेगा, दोनों में से कुछ भी, तो उस पे और वो भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आने की वजह से तो बैंक को नुकसान होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बदल जाते हैं तो देखो 7 का 5% हो गया मॉर्टगेज लोन, कम हो गया ना, तो कमाई आपकी गिर गई और ये 4 का 4 ही रहा, मतलब इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अभी मॉर्टगेज लोन जो है वो डिमांड में नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब प्री मैच्योर कर रहे हैं, यानी कि प्री पेमेंट कर रहे हैं, लोन है जो चुका के ख़त्म कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि लोन और मेरे सर पर रहे, तो मार्केट में लोन की डिमांड कम है, लोन की डिमांड कम हो गई मार्केट में, तो लोग लोन की डिमांड कम होने की वजह से बैंकों को फोर्सफुली इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ रहे हैं, तो बैंक में मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% हो गए, तो बैंक की तो कमाई कम हो गई ना 2% से, और जो लाइबिलिटी है वो तो 4 की 4 ही रही, सो जो पहले बैंक 3% कमा रही थी अब 1% कमा रही है, दिस इज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। लास्ट है सर यील्ड कर्व रिस्क, जो कि आप ध्यान देंगे, यील्ड कर्व रिस्क इज सिमिलर टू द बेसिस रिस्क, कि आपका जो लोन आपने दिया है और ये जो है इसका दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग रेट से वेरी करेगा। एक लाइन हम पढ़ लेते हैं जिससे हमको समझ में आएगा, इन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बैंक्स में प्राइस देयर असेट्स एंड लाइबिलिटीज बेस्ड ऑन द डिफरेंट बेंचमार्क, यानी असेट का बेंचमार्क अलग, लाइबिलिटी का बेंचमार्क अलग, यानी असेट को आपने वैल्यू किया बॉन्ड के बेसिस पे, ट्रेजरी बॉन्ड के बेसिस पे, और लाइबिलिटी को वैल्यू कर रहे हो लाइबॉर के बेसिस पे, सो यील्ड, फिक्स डिपॉजिट रेट, कॉल मनी रेट, माइबॉर, लाइबॉर एक्सेट्रा, तो और उनके रेट्स अलग अलग तरीके से बदलते हैं, तो एक तरह से ये बेसिस रिस्क है, लेकिन सिर्फ एक फर्क यहाँ पे आता है बेसिस रिस्क में और इसमें डिफरेंस क्या है। बेसिस रिस्क में जो दोनों थे आपके लोन और लाइबिलिटी और असेट्स थे, उनकी मेच्योरिटी सेम थी, उनका टाइम जो था वो सेम था, 3 ईयर बॉन्ड का रेट था, 3 ईयर लाइबॉर का रेट था, लेकिन यहाँ पे आपका रेट अलग अलग है, 15 साल का मॉर्टगेज और 1 साल का टाइम डिपॉजिट। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बेसिस रिस्क जब था तब 3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड, 3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड और यहाँ पे भी 3 महीने का लाइबॉर था, यहाँ 15 साल का मॉर्टगेज और 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है, तो एक सेकेंड ना,
सॉरी ध्यान देंगे। और यहाँ पे भी अगर आप रेट में अगर बदलाव देखो तो हर जगह इंटरेस्ट रेट रिस्क ही है, यानी इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाने से ही फर्क पड़ रहा है। सो 6 का 6.5% हो गया तो कमाई तो सिर्फ 0.5% से बढ़ी, लेकिन आपका ये 1 का 4% हो गया, तो अल्टीमेट कमाई 5 के 2.5% पे आ गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। लास्ट वाला रिस्क है आपका प्राइस एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके बॉन्ड वैल्यूएशन वाले टॉपिक से। बॉन्ड वैल्यूएशन जो था ना आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, आपको याद होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो असेट की प्राइसेस गिरती है। ध्यान देना सर, आपने एक बॉन्ड खरीदा 100 रुपये का, यहाँ पे जिसपे आपको आपने यहाँ पे 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, 10 रुपये का कूपन रेट है, ठीक है, तो कूपन रेट तो नहीं बदलता, 100 रुपये भी मत पकड़ो उसको, पकड़ो आपने 90 रुपये में खरीदा, ठीक है, 100 रुपये की फेस वैल्यू थी। तो एक YTM है यहाँ पे, अगर ये YTM अभी कितना है, मैं एक रफली निकाल लेता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 90, तो YTM आ रहा है 11.11%। सो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है न इस बॉन्ड के लिए वो है 11.11%, 11.11%। अब अगर कहीं जाके ये YTM आने वाले समय में गिर गया, लेट से 8% हो गया, तो ये बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, लेट से 120, मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अब आप 120 में बेच सकते हो, आपको कमाई हो जाएगी। लेकिन सर अगर कहीं YTM बढ़ गया लेट से 15%, तो बॉन्ड की वैल्यू गिर के हो जाएगी 70 रुपये। अब 90 की चीज़ आपको 70 में बेचनी पड़ेगी, 90 की चीज़ आप कितने में बेचोगे, 70 में, तो आपको होगा नुकसान, और कमा हर बार हर साल सिर्फ 10 ही रुपये रहे हो। तो इंटरेस्ट रेट में बदलाव आने की वजह से किसी असेट की प्राइस गिरती है, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ध्यान देना। प्राइस रिस्क इज द रिस्क दैट द मार्केट प्राइस ऑफ एन असेट विल फॉल ड्यू टू अ राइज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट में रेट बढ़ा तो प्राइसेस गिरेगी, अपोजिट भी सेम है कि डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल लीड टू राइज इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल लीड टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो ये दोनों चीजें अंडरलाइन करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज और फॉल और राइज। अब एक चीज तो समझ में आ गई, ये है प्राइस रिस्क, किसी भी चीज की प्राइस बदलेगी। दूसरा रिस्क है सर इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्या है ध्यान देना। आप 11.11% आपको यहां पे मिल रहा था, बॉन्ड था 90 का, तो आपको 10 रुपये का कूपन मिल रहा था, ठीक है। आज अगर 10 रुपये वापस इन्वेस्ट करते तो 11.11 ही% पे आप इन्वेस्ट करोगे उसे, तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप यहां पे पहुंच गए, 3 साल 4 साल खत्म हो गए और मार्केट में रेट गिर गए 8%, अभी भी आपको 10 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब जब ये 10 रुपये आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज आपने जो कमाया उसको वापस इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आपको कम परसेंटेज मिल रहा है, दिस इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ध्यान देंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, सपोज एन इन्वेस्टर बाइज अ 10 ईयर 1 लाख डॉलर का ट्रेजरी नोट जिसका इंटरेस्ट रेट है 6%। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि वो 6,000 डॉलर कमाएगा, 1 लाख पे 6%, 6,000 डॉलर कमाएगा, लेकिन जब ये 6,000 डॉलर वो इन्वेस्ट करने जाता है एट द टर्म एंड ऑफ द टर्म, जब उसे इनकम मिलती है और वो इन्वेस्ट करने जाता है, तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में 4% हो चुके होते हैं। यानी कि आप अब उस पे 6,000 पे भी जब आप इन्वेस्ट करोगे तो कम कमाओगे, 4% ही कमाओगे, ना कि वापस 6,000 पे 6% कमाओगे। सो दिस इज व्हाट इज अफेक्टिंग द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है सर, एक लेवल तक खत्म हो गया, आपने क्या देखा है, टाइप्स ऑफ रिस्क देखा। अब मैं बात करता हूँ सर आपने क्या क्या देखा, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क के हमने टाइप भी देखे। अब बात करते हैं सर इसको मेजर कैसे किया जाता है, मतलब क्वांटिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि कितना रिस्क है। फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में सिर्फ ये मेथड दिए, मेथड के अंदर की चीज़ें नहीं दी है, यानी मेथड को इस्तेमाल नहीं करना है, क्वांटिफाई करने के लिए पूछा नहीं गया है। तो ये सिर्फ 4 नाम है जो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी वाला आता है, जिसके चांसेस कम है। क्वांटिफाई करने के तरीके क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने के तरीके हैं सर ट्रेडिशनल मेच्योरिटी गैप एनालिसिस, ड्यूरेशन, सिमुलेशन एंड वैल्यू एट रिस्क। ये 4 तरीके जिससे आप पता लगा सकते हो कि कितना रिस्क है, हमारे सिलेबस में नहीं है तो बस नाम याद रखो, बाकी छोड़ दो। अब हमने पता लगा लिया सर, एक बार छोटा सा रिविजन देता हूँ मैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है,
ये रिस्क के टाइप्स कितने हैं, ये रिस्क को, इन टाइप्स को मेजर कैसे किया जाता है, चलो मेजर किया मान लो, अब इससे बचा कैसे जा सकता है, हेजिंग कैसे होगी, ये हमको देखना है। लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट। अब आता है सर प्रैक्टिकल पार्ट आपके इस पूरे चैप्टर का। अभी तक आपको इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, बट ऐसा मत मानना आपको, मेरे को लगता है गैप एक्सपोजर पे इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, गैप हो, बेसिस हो, किसी पे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है। अब इस चैप्टर की हेडिंग को पढ़िए, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि इस रिस्क को मैनेज कैसे करें, रिस्क को कम करना चाहते हैं हम, इसे कहते हैं सर हेजिंग। और हेजिंग होती है दो तरीके, मतलब हमारे पास में दो तरीके हैं हेजिंग करने के, एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स है हमारे पास में, दूसरा तो मॉडर्न मेथड्स है। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करो जैसे कि आपकी सिचुएशन डिमांड करती है। ट्रेडिशनल मेथड में दो तरीके हैं हेजिंग करने के, ये रिस्क को कम करने के, एक है सर असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, दूसरा है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स की, तो उसमें तीन तरीके आपको समझ में आएंगे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। कोई भी बैंक चाहेगी कि उसके असेट्स जो है ज्यादा हो, रेट सेंसिटिव असेट्स ज्यादा हो रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज से। सो कंटिन्यूस तौर पे हमारी बैलेंस शीट देखते रहना, पता लगाते रहना कि असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, किस तरह से हम लोन बढ़ा सकते हैं हमारे बैंक में, ये है असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। आपको फोन आते होंगे ना लोन लेने के लिए, मेरे को बहुत आते हैं, मतलब और उनको फोन ज्यादा आते हैं, जाने दो ये बात बताने की नहीं है। अच्छा, उनको फोन ऑटोमेटिकली ज़्यादा आते हैं जिनके अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा पैसा दिखने लग जाता है बैंक को। सो बैंक क्या करती है, बैंक को समझ में आ जाता है कि भैया इनके अकाउंट में पैसा है, तो बैंक ना वो डेटा ट्रांसफ़र करेगी अपने लोन डिपार्टमेंट को। अब ये लोन डिपार्टमेंट में ना ये साले कॉल लगाते हैं आपको, कॉल लगाते हैं कि सर आप लोन के लिए एलिजिबल है, 3 दिन में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, 3 घंटे में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, सर अगले 3 मिनट में मैं क्रेडिट कर दूंगा आपके, इसमें लोन चाहिए क्या बताओ। ये लोग लोन बढ़ाने के लिए आपको फ़ोन करेंगे, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा असेट मतलब बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़े, क्योंकि अगर लोन दे दिया तो एक बार का फिर इंटरेस्ट मिलेगा ना उनको बार बार। सो दिस इज़ असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने लायक। बात यहाँ से चालू होगी पूरे प्रैक्टिकल की, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको सिलेबस में है, असली क्वेश्चंस यहाँ से चालू होते हैं। अब आते हैं सर किस तरह से डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क मैंने बताया, हर जगह हमने रिस्क देखा, अब इसमें हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव्स का जो आपने चैप्टर ख़त्म किया वो एक तरह से अधूरा था, क्योंकि उसमें हमने स्वैप्स डिस्कस नहीं किया, इंटरेस्ट रेट वाले सारे रिस्क हमने वहाँ पर छोड़ दिए, तो ये सब कवर होता है इस चैप्टर में। इंस्टीट्यूट ने ओल्ड सिलेबस जब था SFM का, तब एक ही चैप्टर रखा था इंडियन कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट सब 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 उसी में डाल दिया था। बट न्यू सिलेबस में उन्होंने ना उस चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वैसे तो तीन में किया, एक तो हटा ही दिया सिलेबस में से, सो दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक रखा डेरिवेटिव्स और दूसरा रखा इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डेरिवेटिव्स यहाँ पे। सो वापस आएंगे सर आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस वापस आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, फ्यूचर्स ऑप्शन फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड वो फ्यूचर्स और वो ऑप्शंस उधर में, ये सब डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा है वो ही है यहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे जो पढ़ा था फॉरवर्ड में, फ्यूचर्स में, ऑप्शन में एक अंडरलाइंग होता था, जनरली हमने इक्विटी शेयर इंडेक्स इनको अंडरलाइंग बनाया था, और कमोडिटी भी थी, वीट था, ठीक है, और एक दो आइटम थे, गोल्ड था। इन तीन असेट्स का डेरिवेटिव हमने डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में देख लिया। दो मेजर चीज़ें बच गई थी अंडरलाइन के रूप में, एक था इंटरेस्ट रेट और एक था सर आपका करेंसी। तो इंटरेस्ट रेट्स एज एन अंडरलाइन यहाँ पे आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में, और करेंसी जो है, करेंसी वाला स्वैप जो पार्ट होता है, या करेंसी वाले फॉरवर्ड, या करेंसी वाले फ्यूचर्स, या करेंसी वाले ऑप्शंस है, वो फॉरेक्स वाले चैप्टर में आएगा। सो हम बात करते हैं सर सिर्फ इंटरेस्ट रेट की। रिफ्रेश हो जाइए माइंड को, एक बार वापस से याद दिलाइए कि पर्पस क्या है। पर्पस बहुत ही सिंपल है, कहीं ना कहीं सर हमको रिस्क है और ये रिस्क को हमें मिटाना है, यह है हमारी टाइमलाइन। हो सकता है ये है 0 पॉइंट, यह है 6 महीना, यहाँ मुझे लोन लेना हो या मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करना हो। हम लोन से शुरुआत करेंगे। अब डर क्या है, रिस्क होना चाहिए तभी हेजिंग पॉसिबल है, बिना रिस्क के हेजिंग हो ही नहीं सकती। तो
अगर आप लोन लेना चाहते हो 6 महीने बाद में और आपको डर है कि यार आज तो मार्केट में रेट चल रहा है 10% और जब मैं लोन लेने जाऊंगा तब मार्केट में रेट चलेगा 12%, और आप इतने बड़े हुए रेट पे लोन नहीं लेना चाहते, और अगर ऐसी बात है तो आज ही मार्केट में किसी पार्टी के साथ में एक एग्रीमेंट कर लो जिसमें आप टाइम डिसाइड कर लोगे, लोन की अमाउंट डिसाइड कर लोगे, आप डिसाइड कर लोगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा और टर्म कितना होगा। सो आज से ठीक 6 महीने बाद आप 50 करोड़ का लोन लोगे, इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया 10.5% और टर्म हो गया 5 साल। याद आ रहा है कुछ ऐसा ही हम डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में करते थे, सब कुछ आज डिसाइड कर लेते थे फ्यूचर के सेटलमेंट के लिए। सो आज से ठीक 6 महीने बाद यह एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा और आपको इस रेट पे 10.5% पे 50 करोड़ का लोन मिल जाएगा। इस पूरे एग्रीमेंट को, जो इंटरेस्ट रेट का एग्रीमेंट है जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है, इसे कहते हैं सर रेट एग्रीमेंट। और क्योंकि सर हम इस एग्रीमेंट को फ्यूचर में सेटल करना चाहते हैं, हम इसे कहते हैं सर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRA। तो ये जो 10%, 10.5% डिसाइड हुआ ना, ये है FRA। आज डिसाइड हो गया लेकिन फ्यूचर के लिए, ठीक है। होता क्या है, लेट से आज आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, मार्केट में 10 चल रहा था, आपने 10.5% पे FRA ले लिया, इसे कहते हैं स्पॉट रेट और इसे कहते हैं सर FRA का रेट। आपने 10.5 पे लोन ले लिया, अब उस दिन मार्केट में ये हो गई हेजिंग खत्म, बस इतने से सर हेजिंग हो जाती है। हाँ सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कैसे, कि मतलब हेजिंग कैसे हुई? बहुत ही सिंपल, मार्केट में उस दिन लेट से 12% रेट चला गया, कितना अच्छा हुआ आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था 10.5%। अगर नहीं करते तो उस दिन लोन लेना पड़ता, जो भी हमारी डिमांड थी उस दिन लोन लेना पड़ता, 12% से लेते। अब 12% इंटरेस्ट नहीं चुकाना, अब 10.5% इंटरेस्ट चुकाना है। सो दिस इज स्पॉट, दिस इज FRA, दिस इज प्रॉफिट। 1.5% कम चुकाना है, किस पे सर? 50 करोड़ पे, प्रिंसिपल अमाउंट। आपने लोन कितने टाइम के लिए लिया था? थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लेट से हमने लोन लिया था 3 महीने के लिए सिर्फ। सो 6 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने के लिए आपने लिया था लोन, तो ये 12% तो साल भर का है, 10%, 10.5% तो साल भर का है, तो जो प्रॉफिट आया 1.5% वो भी साल भर का है, लेकिन हमने तो लोन 3 महीने के लिए लिया, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे हम। सो 50 करोड़ पे 1.5%, ये साल भर का आपका प्रॉफिट 75 लाख आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल? ठीक है, 75 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। अब मुझे एक और चीज बताओ, FRA आपको समझना जरूरी है। FRA पहली बात तो खत्म कहाँ हो रहा है? मैं 3-4 सवाल पूछता हूँ। FRA का रेट क्या है? FRA एक्सपायर कब हो रहा है? लोन स्टार्ट कब हो रहा है? लोन एंड कब हो रहा है? सेटलमेंट कब होगा? ठीक है, सो FRA का रेट है 10.5%। याद रहे, लोन स्टार्ट हो रहा है आज से आपका 6 महीने बाद और लोन खत्म हो रहा है आज से 9 महीने बाद, तो आप निकाल सकते हैं लोन का पीरियड कितना है। सर 9 माइनस 6 3 महीना, ध्यान देना, आज से 6 महीने बाद लोन शुरू होगा और आज से ही 9 महीने बाद लोन खत्म हो जाएगा, तो लोन का पीरियड होता है ये स्टार्ट और एंड के बीच का गैप, 9 माइनस 6 3 महीने। ठीक है, FRA कब एक्सपायर होता है ये बताओ। FRA आपने लिया यहां पे और एक्सपायर होगा जब लोन शुरू होता है। सो जैसे ही लोन शुरू होने वाला होता है वैसे ही FRA एक्सपायर होगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर सेटलमेंट की, क्योंकि हमको आज से ठीक 6 महीने बाद ही जब लोन शुरू होने वाला है तभी पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट, तभी पता चल गया कि सर या तो हमको प्रॉफिट है या तो नुकसान है, तो वो सेटल कैसे करेंगे, कब करेंगे? क्योंकि अगर आप मार्केट में लोन लेते, भले ही आपने लोन लिया हो यहाँ पे, इंटरेस्ट तो उसी टाइम पे नहीं चुकाते ना,
आप इंटरेस्ट 3 महीने के एंड में चुकाते, यानी 12% अगर देना पड़ता मार्केट रेट पे, तो 3 महीने के एंड में, वहां से 3 महीने के एंड में आप इंटरेस्ट देते। 10.5% पे भी अगर आपने लोन लिया तो भी तो इंटरेस्ट 3 महीने के एंड पे देना है, यानी कि उन दोनों से आया ये जो प्रॉफिट है ये भी 3 महीने के एंड में सेटल होना चाहिए, लेकिन पता यही लग गया 6 महीने में, तो सेटल भी यही हो जाएगा, 3 महीने रखें क्यों। इसीलिए ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपका 75 लाख का, ये भी देना यहीं पे बनता है, लेकिन पता पहले चल गया है, यानी कि अब हम इसे करेंगे डिस्काउंटिंग 3 महीने से, ताकि हम यहाँ पे सेटल कर सके। आई बात समझ में? 75 लाख सेटल कर सके, और डिस्काउंटिंग करना है तो 3 महीने से करोगे डिस्काउंटिंग। कौन से रेट पे? FRA के रेट पे? नहीं सर, ये रेट तो सिर्फ हमको अप्लीकेबल था। मार्केट रेट पे करोगे 12% के, सो 75 लाख डिवाइडेड बाय 1.03 हो जाएगा, 3 महीने से करना है तो 3 महीने का रेट। तो आप क्या करोगे, 75 लाख डिवाइडेड बाय 1.03 करोगे, और ये आ जाएगी आपकी सेटलमेंट की अमाउंट। सेवेंटी टू एटी वन फाइव फाइव थ्री, खत्म। इसी से बना है सर वो फॉर्मूला FRA वाला, जो आपको सिलेबस में दिखता है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल दिखता है, बहुत ही सिंपल है। FRA का अगर सेटलमेंट करना है तो आपने क्या किया पता है? मैं बताता हूँ, आपने पहले तो 12% माइनस 10.5% करके निकाला कि कितना हो रहा है प्रॉफिट, और वो आपने लगाया सर 50 करोड़ पे लगाया ना। लगाने के बाद में आपने क्या किया, आपको पता चला यार ये तो 75 लाख आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ गलती की क्या? हाँ, एक गलती मैंने कर दी, सॉरी। 75 लाख तो साल भर का है ना प्रॉफिट, हमको तो 3 महीने के लिए लोन चाहिए था, तो प्रॉफिट भी 3 ही महीने का आएगा। सो ध्यान देना, 50 करोड़ इंटू 1.5%, 75 लाख साल भर का प्रॉफिट। अगर साल भर के लिए लोन लेते तो 3 महीने के लिए लोन लिया तो 3 महीने में कन्वर्ट कर दो, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ सर, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 90 डिवाइडेड बाय 360। अरे यार, तो वो आता है 18,75,000 का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट 18,75,000, जो कि देना बनता है 3 महीने बाद में, जिसको हम डिस्काउंटिंग करेंगे 1.03 से। तो ये सेटलमेंट 18,20,388। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाओ, 1.5% लगाया 50 करोड़ पे, तो साल भर का प्रॉफिट। लेकिन हमने साल भर के लिए तो लोन लिया नहीं, तो हमने लिया सिर्फ लोन 90 दिन के लिए, और साल भर में मान के चलते 360 दिन होते हैं, ठीक है, 360 या 365 ले लो। और ये हो गया सर प्रॉफिट 18,75,000 का, लेकिन ये 3 महीने बाद मिलने वाला है। आज अगर सेटल करना है तो 3 महीने से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, और हमने डिस्काउंटिंग का रेट क्या लिया, 12%। लेकिन ये है सर वापस वही चीज़ कि साल भर का, 3 महीने से अगर डिस्काउंटिंग करना है तो आप 3 महीने में कन्वर्ट करोगे ना उसको 90 बाय 360, ये आपका फॉर्मूला आंसर देगा। इसी से फॉर्मूला बनाते हैं सर, 50 करोड़ है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, 12% को कहते हैं रेफरेंस रेट जो उस दिन मार्केट में चल रहा है, 10.5% को कहेंगे सर फॉरवर्ड रेट जो हमने एग्री किया था। इसके बाद कितने दिन बाकी है मेचोरिटी को, तो डेज टिल मेचोरिटी DTM डिवाइडेड बाई डेज इन अ ईयर 90 बाई 360, अगेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेफरेंस रेट है 12% का, इंटू DTM बाई DY, ये आपका फॉर्मूला बन गया FRA के सेटलमेंट के लिए। अगर ये पॉजिटिव आया तो आपका फायदा, नेगेटिव आया तो आपका नुकसान कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ सर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है आपका यहाँ पे, ये सेकंड वाला पार्ट, और इसमें यह है हमारा फॉर्मूला। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट माइनस इनटू रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट इनटू DTM डिवाइडेड बाय DY 1 प्लस RR DTM डिवाइडेड बाय DY इनटू 100। एक सेकंड बस मेरे को देना, इन्फॉर्म करना जरूरी है।
दो तीन चीज़ें जो आपने FRA की समझनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। चार्ट्स के थ्रू ही देख रहे हैं। सबसे पहले तो सर ये ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होता है, तो एक्सचेंज पे नहीं है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद में इसमें दो पार्टीज होती है, एक को कहा जाता है फिक्स्ड रेट रिसीव करने वाला, तो ये शॉर्ट है, फ्लोटिंग रेट रिसीव करने वाला लॉन्ग पार्टी। ठीक है, मतलब टर्म्स ही ऐसे हैं। फ्लोटिंग रेट जो रिसीव करेगा उसे कहा जाता है कि FRA उसने खरीदा है। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना FRA खरीदा, इसका मतलब उसे फ्लोटिंग रेट देना पड़ेगा। हाँ, FRA की वैल्यू सर इनिशिएशन पे जीरो होती है, क्योंकि दोनों पार्टीज डिसाइड कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो जीरो डेट पे FRA की वैल्यू जीरो होगी। उसके बाद इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है इस टर्म में, एक्स बाय वाई, एक्स क्रॉस वाई, जहां पे एक्स का मतलब होता है कि कितने समय में ये लोन शुरू होगा, वाई का मतलब होता है कि कितने समय में ये लोन खत्म होगा। हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया था यहाँ पे, आप कितने समय में लोन शुरू हो रहा था सर, 6 महीने में, कितने में खत्म हो रहा था, 9 महीने में। तो हमारे क्वेश्चन में जो FRA था वो था 6/9 FRA, 10.5%, समझा क्या? ऐसा एग्जाम में दिया जाएगा 6/9, तो 6 महीने, आज से 6 महीने बाद लोन शुरू होगा, आज से 9 महीने बाद लोन खत्म होगा। अगर आपको लोन का पीरियड निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, आगे और तो बाकी कुछ बताने जितना है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब बात करता हूँ सर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स जो है, ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ऐसे खरीदे नहीं जाते दो पार्टीज के बीच में। ये तो आप दो पार्टीज के बीच में कुछ भी ट्रांजेक्शन बना सकते हो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है ये एक्सचेंज पे खरीदे जाने हैं सर। ठीक है, और एक चीज याद रहे हमेशा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और फॉरवर्ड ऑलमोस्ट सेम तरह का ट्रांजेक्शन, मतलब सेम तरह का इनका नेचर है, सिर्फ कुछ चीज़ें इसमें बदलती है। बताता हूँ मैं आपको, कहानी क्या है बताता हूँ, सिंपल सी बात है। मान लो कि बॉन्ड्स है, मार्केट में जब कोई बॉन्ड यहाँ पे है 110 रुपये का, अब हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग आना, 110 रुपये का बॉन्ड है, मार्केट में रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। अब जैसे ही मार्केट में रेट जाएगा 12%, आपके बॉन्ड, या 12 चलो रेट कम कर दो, 8%, तो मार्केट में रेट गिर जाने की वजह से बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा लेट से 125। अब जब मार्केट में जो बॉन्ड मिलते हैं ना, 10 10 साल के बॉन्ड मिलते हैं, अब आप क्या चाहोगे ना, एक ये 2 साल में ही ये कहानी हो गई, 125 रुपये का हो गया बॉन्ड। अब ये 110 रुपये का जो बॉन्ड है, ये 125 जब हो गया, तो आप चाह सकते हो, आप चाहोगे कि यार ये बॉन्ड में बेच दूँ, और बॉन्ड को बेच दोगे तो आपको फ़ायदा होगा 15 रुपये का यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इतने आसानी से बेचे नहीं जाते, मतलब इतना मार्केट में वो ट्रेड नहीं होते एक्सचेंज पे, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते तो हम इस तरह से बेच भी नहीं सकते, और इसी के लिए आया इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जिसके तहत इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट जो होता है वो है बॉन्ड। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में लोगों को लगता है अंडरलाइंग असेट जो है वो होगा इंटरेस्ट रेट, ना सर, वो होता है बॉन्ड। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपने, आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अगर 95 का है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में 5% चल रहा है, 95 में आपने फ्यूचर्स खरीदा लॉन्ग, और आगे से 6 महीने बाद में ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अगर आप 98 में बेच देते हो शॉर्ट, इसका मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए और आपको 3 का फायदा होगा, 3 रुपये, 3% यहाँ गिरा, 3 रुपये का फायदा होगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इज वेरी सिंपल, 100 में से इंटरेस्ट रेट माइनस कर दो। सो अगर इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है तो हमारे फ्यूचर्स की प्राइस है 95। दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाएंगे, लेट से इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट अगर 2% पे आ गया तो हमारे
इंटरेस्ट रेट हमारी फ्यूचर्स की वैल्यू हो जाएगी 98। तो अब आप बताओ, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया और यहाँ पे शॉर्ट किया तो फायदा या नुकसान? 95 में खरीद के 98 में बेच के आपको फायदा है। एक और चीज सर, अब आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो फ्यूचर्स की प्राइस गिरेगी या बढ़ेगी? फ्यूचर्स की प्राइस गिरेगी, बिकॉज दिस इज अंडरलाइंग, यहाँ पे बॉन्ड है एक तरह से, इसको मान के चलो ये बॉन्ड है, असेट है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से असेट की वैल्यू गिरती है, इनवर्स रिलेशनशिप, और इंटरेस्ट रेट गिरने से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 9%, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट 10% हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे, खरीदोगे या बेचोगे? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो आपका मतलब क्या है? आज अगर 9% इंटरेस्ट रेट है तो हमारे फ्यूचर्स की प्राइस होगी 91 रुपीज, 91 + 900 होता है 91, और कल जाके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो फ्यूचर्स की प्राइस गिर जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो हमारी फ्यूचर्स की प्राइस कितनी? 90 हो जाएगी। तो सोचो कैसे कैलकुलेशन करना है, आज 91 है, कल 90 हो जाएगी। आज 91 में खरीद के कल 90 में बेचना पसंद करोगे क्या? नहीं, यानी यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत सही होगा, 91 में बेच के 90 में खरीद लो, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर कट समझी कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने वाले हैं तो आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। उसी का उल्टा सही रहेगा, इंटरेस्ट रेट अगर गिरने वाले हैं तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आपने लॉन्ग करने चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट हो। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अंदाजा दिमाग लगाना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से किसी और की प्राइस गिरती है, इसलिए हम उल्टा करते हैं। इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली है तो हम इक्विटी शेयर्स खरीदते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका इसका अपोजिट रिलेशनशिप है। एक चीज, अब एक बार अगर आपने फ्यूचर्स खरीद लिया तो उसका सेटलमेंट दो तरीके से होता है। एक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कैश सेटलमेंट है, कैश में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स खरीदने के बाद उसको अगर सेटल करना है तो आपके पास में दो तरीके हैं, कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी। सो मान लो हमने यहाँ पे ये वाली सिचुएशन में क्या किया, शॉर्ट किया, यानी हमने बेचा। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो, इट मींस वी वांट टू सेल बॉन्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का अंडरलाइन क्या है, बॉन्ड। फ्यूचर्स बेचा मतलब बॉन्ड बेचा, फ्यूचर की डेट में कोई आप बॉन्ड बेचना चाहते हो। अब वो फ्यूचर की डेट आज गई तो या तो आप उसे कैश में सेटल कर लो या तो फिजिकल डिलीवरी में बेचना है ना, तो बॉन्ड बेचो ना, क्या दिक्कत है। कैश में सेटल करना बहुत आसान है सर, आपने शॉर्ट किया था 91 में और आज प्राइस हो गई 90, तो 1 रुपया लेके कहानी खत्म करो, रियल में आपको कुछ भी डिलीवर नहीं करना। बेचने की बात की थी, बेचा कहाँ, नहीं बेचा, सेटल कर लिया कैश में 1 रुपया दे। लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो रियल में आपको कोई बॉन्ड डिलीवर करना होगा, और इस टाइम पे आरबीआई ने स्पेसिफाई किया हुआ है कौन से बॉन्ड डिलीवर करना है, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि फिजिकल डिलीवरी का मतलब क्या। जब आप फिजिकल डिलीवर करने जाओगे आपके पास में 2, 3, 4 बॉन्ड दिए होंगे क्वेश्चन में, इनमें से कुछ भी डिलीवर कर सकते हो। अब जब देने की बात आती है तो हम चाहते हैं कि यार हमारा नुकसान कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब मैं आपको ये वाला पार्ट ना एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देंगे सर, ख़त्म होने वाला है हमारी ये सारी कहानी।
सोचो, ये है आपका क्वेश्चन। आपने फ्यूचर्स बेच दिया था, इसका मतलब आपने प्रॉमिस किया था कि आप बॉन्ड बेचेंगे मैच्योरिटी पे। यहां आपने IRF किया शॉर्ट, और जब मैच्योरिटी आई तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो कैश में सेटल कर लो या तो फिजिकल डिलीवरी दे के खत्म करो। आप कैश में सेटल नहीं कर रहे, आप फिजिकल डिलीवरी देना चाहते हैं, और जब डिलीवरी देना चाहते हो तो बॉन्ड कौन सा देंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं होता है कि कौन सा बॉन्ड है। अब आपके पास में ऑप्शन है, तीन बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड सामने वाले को देना है, और इन तीनों बॉन्ड की मार्केट में प्राइस चल रही है ये 94.25, 126 या 142। अब आप बोलोगे सर कि इसमें से 94 वाला सस्ता दिख रहा है, यही दे देते हैं, सस्ते में निपट जाएंगे अपन, क्योंकि हमको बॉन्ड देना है तो हमको तो ये खर्चा लगना है, ये प्राइस पे तो हम बॉन्ड खरीदेंगे। बट ऐसी बात नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है कन्वर्जन फैक्टर। आपके बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी। ये है शॉर्ट, यानी आपने इतने अमाउंट पे पहले बेचा था, बिना बॉन्ड देखे बिना आपने इतने अमाउंट पे बेच दिया। अब उस दिन आपको फ्यूचर्स की कितनी प्राइस मिलनी है ये डिपेंड करता है इस प्राइस पे और कन्वर्जन फैक्टर पे। अगर आप डिसाइड करते हो, ध्यान देना, बॉन्ड वन देना है, बॉन्ड वन हम डिलीवर करना चाहते हैं, इसका मतलब आपका ये होगा खर्चा, 94.25 में बॉन्ड खरीदोगे और बेचोगे कितने में पता है आपको? बॉन्ड खरीदा 94.25 में और बेचोगे कितने में? फ्यूचर्स की प्राइस पे मल्टीप्लाइड बाय द कन्वर्जन फैक्टर। अगर आपने बोला बॉन्ड टू देना है, इसका मतलब खरीदोगे कितने में? 126 में, और बेचोगे कितने में? इसकी बेचने की प्राइस कितनी आएगी? फ्यूचर्स की प्राइस जो आपने शॉर्ट की थी मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। ऐसे ही तीसरे केस में होगा। तीनों केस में निकालो कि बेचने की अमाउंट कितनी और खरीदने की अमाउंट कितनी, तो नेट में पता चलेगा प्रॉफिट। जिस केस में प्रॉफिट ज्यादा, वो बॉन्ड आप डिलीवर करोगे, उसे कहा जाता है चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको याद होगा तो मैं आप वही नोट्स में लेके चलता हूँ जहां पे हमने ये देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, 9, नहीं ये 9 नहीं है, ये आई थिंक 8 था। ध्यान देना, यहाँ पे बॉन्ड 1, 2, 3 हमको फायदा कितना होगा? ये फ्यूचर्स की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर 94.0625, 0625, 0625 से कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप देख रहे हो 101.78, उसके बाद में 133.99, 149.99, दिस इज द सेलिंग प्राइस माइनस आपका कोटेड प्राइस 94.25, 126, और आखिरी में आपको दिख रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस केस में ज्यादा है? 7.53, 7.99, 7.795। सर सेकंड वाला बॉन्ड में प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए सेकंड वाला बॉन्ड CTD बॉन्ड इज द बॉन्ड टू, एज प्रॉफिट इज हायर इन दैट। CTD का मतलब होता है चीपेस्ट टू डिलीवर, सस्ते से सस्ता बॉन्ड, यानी खर्चा कम इन सेलिंग प्राइस ज्यादा। आइए सर अब हम ये दो चीजें खत्म करते हैं। ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में जब फिजिकल डिलीवरी की बात आती है, तो ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। ऑल द डिलीवरेबल बॉन्ड हैव डिफरेंट मेच्योरिटीज एंड कूपन रेट्स टू मेक देम कंपेरेबल, क्योंकि सारे बॉन्ड्स की मेच्योरिटी अलग होती है, सारे बॉन्ड्स का सर आपका कूपन रेट अलग होता है, इसलिए टू मेक देम कंपेरेबल टू ईच अदर एंड ऑल्सो विद द नोशनल बॉन्ड, RBI ने इंट्रोड्यूस किया एक कन्वर्जन फैक्टर नाम का सिस्टम। कन्वर्जन फैक्टर इज पब्लिश्ड बाय NSE। कन्वर्जन फैक्टर इनटू फ्यूचर्स की प्राइस जब आप करते हो, तब आपको मिलता है कि एक्चुअल डिलीवरी की प्राइस क्या आएगी। अगर आपने बेचने को बोला तो ये है वो प्राइस जो आपको मिलने वाली है, सिर्फ ये नहीं, ये तो स्टार्टिंग में डिसाइड होती है। दिस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर विल बी द अमाउंट दैट यू विल बी रिसीविंग। एंड चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही सिंपल सर, प्रॉफिट ऑफ द सेलर ऑफ द फ्यूचर्स। हमने IRF बेचा था, कैसे निकालेंगे? जो भी फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर माइनस कोटेड स्पॉट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो हमारी जो भी प्राइस डिसाइड हुई थी IRF में, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर करोगे और कोटेड प्राइस कर दोगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो भी सबसे ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए प्रॉफिट,
कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फ्यूचर्स खरीदा है स्टार्टिंग में या बेचा हो, तो राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों आते हैं, तो हर बार प्रॉफिट नहीं आएगा। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें प्रॉफिट है, उसके जस्ट बाद वाला एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो उसमें लॉस आ रहा था तीनों केस में, तीनों चारों केस में। जब चारों केस में लॉस आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड डिलीवर करोगे जिसमें लॉस कम हो? प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम, डिलीवर तो करना पड़ेगा ही ना सर, ऑप्शन नहीं है। लॉस आ रहा है तो लॉस ही सही, लेकिन कम से कम लॉस, तो कम से कम लॉस वाला बॉन्ड या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वाला बॉन्ड चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड कहलाता है, CTD बॉन्ड। ठीक है, यहीं पे बात खत्म करते हैं सर। उसके बाद में सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपका, सेकंड लास्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, जैसे कि आपने डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस देखा, फॉरवर्ड में फ्यूचर में आज खरीदो या बेचो, मैच्योरिटी पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शंस एक ऐसा डेरिवेटिव है जो आपको एक राइट देता है कि मैच्योरिटी पे लगे तो एक्सरसाइज करना, ये इसका इस्तेमाल करना, नहीं तो मत करना। फॉरवर्ड और फ्यूचर में हमारे पास में कोई राइट नहीं होता, अधिकार नहीं होता, करना ही पड़ेगा। जो रेट पे एग्री हुआ है वो रेट पे लोन लेना ही पड़ेगा, जो आपने बोला है फ्यूचर्स पे बेचना है उस पे आपको फ्यूचर्स या बॉन्ड बेचना ही पड़ेगा, प्रॉफिट नुकसान। ऑप्शंस में आपको दो एक एक ये फायदा है कि आपको लगा तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करना, नहीं तो मत करना। अब यहां पे देखो फर्क समझाता हूं मैं आपको। यह है टाइम, मैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की बात करता हूँ, समझाने में सिंपल जाएगा। आज मार्केट में रेट 10% चल रहा है, आपको 6 महीने बाद में लोन चाहिए था तो रेट डिसाइड हुआ सर 10.5%। ठीक है, इससे आपका रिस्क खत्म हो गया कि उस दिन मार्केट में कुछ भी रेट चले हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो सिर्फ 10.5% में लोन लेना है। मान लो उस दिन मार्केट में रेट चल रहा है 12%, आप खुश हो जाओगे क्योंकि आपको अब 10.5% में लोन मिलेगा, यानी आपका फायदा है 1.5%। लेकिन ये भी तो हो सकता है उस दिन मार्केट में रेट चले जाए 9%, सॉरी 8%, तब भी आपको 10.5 पे ही लोन लेना पड़ेगा, तो आपका नुकसान होगा सर 2.5% का। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट भी है और लाइबिलिटी भी है आपको इस क्वेश्चन FRA इस कॉन्सेप्ट में। कितना अच्छा होता आज 10.5% फिक्स करने के बाद, अगर 12% जाता तो मैं 10.5 पे ही लोन लेता, और 8 पे जाता तो मैं 8 पे ही लोन लेता। तो दोनों केस में अगर आप निकालो तो 12 माइनस 10.5, यहाँ 1.5% का फायदा और यहाँ कोई नुकसान नहीं। यानी आप क्या कर रहे हो, आप एक अपर लिमिट फिक्स कर दे रहे हो इसकी, कि 10.5% के नीचे अगर रहा तो मार्केट रेट पे लोन ले लूंगा 8%, 9%, 7%, लेकिन अगर 10.5 के ऊपर मार्केट में रेट गया ना तो मैं 10.5 पे ही लूंगा ताकि मेरा फायदा 1.5% का हो जाए। इसे कहते हैं सर अपर लिमिट फिक्स करना। ऑप्शन में आप फिक्स कर सकते हो, अगर आप लोन लेने वाले हो तो आप चाहोगे कि आप मैक्सिमम इतना पे करना चाहोगे, 10.5% से ज़्यादा मैं पे नहीं करना चाहता, लेकिन कम है तो उसका फायदा उठाना चाहता हूँ, सर इसे कहते हैं कैप ऑप्शन। इसके बाद में ये लोन का किस्सा हो गया, आप सोचो तो जरा, मार्केट में रेट चल रहा है 10% और आपको करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट के केस पे आप चाहते हो कि 6 महीने बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो मार्केट में रेट बढ़ जाए ताकि बढ़े हुए रेट पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट मिले। लेट्स से अगर 12% हो गया कितना सही है, जो आज अगर इन्वेस्टमेंट करूँ तो सिर्फ 10% मिलेगा, कल जाके FD का रेट 12% हो गया तो मुझे 12% से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन आपको डर क्या है कि कहीं इंटरेस्ट रेट गिर के 8% ना हो जाए, तो कितना कम मिलेगा ना आपको फिर, इसीलिए आज आप एक रेट फिक्स कर लेते हो। और ये रेट रहे सर मिनिमम रेट, कि इतना तो कम से कम इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, 10.5% कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, यानी ये आपने लोअर लिमिट फिक्स कर ली। इन्वेस्टमेंट के केस में लोअर लिमिट, लोन के केस में अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब आपने फिक्स की, यहाँ पे आपको 12% ही मिलेगा क्योंकि कम से कम 10.5 मिलना चाहिए ना, मार्केट में तो ज़्यादा चल रहा तो मैं 12 लूंगा, और जब 8% गया तब भी आप 10.5 में ले रहे हो, तो यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं और यहाँ 1.5% का फायदा है।
1.5% आपको, क्योंकि आपने मिनिमम फिक्स कर दिया था, इसके नीचे गया तो जो दूसरी पार्टी है वो आपको 1.5% एक्स्ट्रा दे देगी। इसे कहते हैं सर फ्लोर ऑप्शन। और तीसरा होता है सर कॉलर ऑप्शन। कॉलर ऑप्शन में आप दो तरह के कॉलर्स बना सकते हो, कैप ऑप्शन खरीद के और फ्लोर बेच के, कैप बेच के और फ्लोर खरीद के। दोनों खरीद के कॉलर नहीं बनाते, मतलब सेंस नहीं बनता वो, जनरली खरीद सकते हो, सेंस बनता नहीं है। अब या तो आप लोन लेने वाले हो या तो आप डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। लोन का केस में आप ये करोगे और डिपॉजिट के केस में आप ये करोगे, या इन्वेस्टमेंट कह देता हूँ। कैसे सर, समझाओ तो सही, मतलब क्या लॉजिक है लोन की केस। जब लोन जब हम लेते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं मार्केट में रेट बढ़ ना जाए, इसीलिए हम फिक्स करना चाहते हैं अपर लिमिट, तो कैप ऑप्शन हम खरीदेंगे। और रही बात, हमको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेंगे, गिर तो सकते नहीं हमारे हिसाब से, इसलिए हमने फ्लोर ऑप्शन किसी और को बेच दिया, खरीदा नहीं बेच दिया। जिसने खरीदा उसको क्या लग रहा है, मार्केट में रेट गिरेंगे, हमको पता है मार्केट में रेट गिरेंगे नहीं, बढ़ेंगे। तो फ्लोर बेच के आपका फायदा क्या है, फ्लोर बेच के आपका फायदा है प्रीमियम कमाना। तो यहाँ पे आपने प्रीमियम दिया लेट से 0.5% का, क्योंकि आपने ऑप्शन खरीदा है तो प्रीमियम देना पड़ेगा, और यहाँ आपने प्रीमियम ले लिया 0.5%, तो आपका हो गया जीरो कॉस्ट कॉलर रेडी। बिना किसी खर्चे के आपने कॉलर खरीद लिया, अपर लिमिट फिक्स कर दी। बट ये बहुत रिस्की है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट नहीं गए और नीचे चले गए ना, तो इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, इसमें आपको लाइबिलिटी बहुत आ जाएगी फ्लोर में। जब आप स्ट्रांग व्यू रखते हो कि मार्केट में रेट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बाय कैप एंड सेल फ्लोर। बट अगर आपका स्ट्रांग व्यू है कि मार्केट में रेट गिरेंगे गिरेंगे इन्वेस्टमेंट के केस में, तो आप लोअर लिमिट फिक्स करना चाहोगे तो फ्लोर खरीदोगे और कैप किसी और को बेच दोगे, तो इसमें कमाई होगी प्रीमियम की। जब भी आप ऑप्शन बेचते हो, भले ही कैप बेचो या फ्लोर बेचो, सिर्फ कमाई होती है प्रीमियम की, उससे ज्यादा नहीं कुछ भी। ठीक है सर, दिस इज इंटरेस्ट रेट, कैप्स, कॉलर्स एंड ऑप्शंस। एक तरह से मैं इसकी ये हो आप, ये हो बैंक। चलो ऐसा ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। लोन का केस लेते हैं, हम लोन लेने वाले आज से ठीक 6 महीने बाद, या मान लो यहीं पे हमने लोन लिया, तो बैंक के साथ फ्लोटिंग रेट पे लोन डिसाइड हुआ है, और फ्लोटिंग रेट है लाइबॉर, लाइबॉर चल रहा है 10%, लेट से 11, और हमने ना कैप ऑप्शन भी लेके रखा है, तो कैप ऑप्शन में हमने लिमिट फिक्स कर रखी है 12% की, कि उसके ऊपर हम नहीं देंगे। तो मार्केट में रेट चल रहा है 10, 11, 13, 15, 8, ठीक है, ध्यान देना क्या होता है। तो जब जब बारी आएगी तब तब बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% पे लोन लिया आपने, तो लाइबॉर पे लोन लिया तो 10% बैंक को देना पड़ेगा, यहाँ 11% बैंक को देना पड़ेगा, यहाँ 13% बैंक को देना पड़ रहा है, और आपने किसी और पार्टी के साथ में 12% मैक्सिमम फिक्स किया था, तो अब ये वाली पार्टी जो है आपको बैलेंस दे देगी, डिफरेंस परसेंटेज। मार्केट में आपने बैंक को 13 दिया, आपको ये पार्टी 1% दे देगी। बैंक को आप पैसा दे रहे हो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। बैंक को कोई लेना देना नहीं है कि आपने किसी और पार्टी के साथ में कैप ऑप्शन लिया है, फ्लोर लिया है या कॉलर लिया है। बैंक से लाइबॉर पे लोन लिया, बैंक को जो लाइबॉर है उस पर आप इंटरेस्ट चुकाते जाओ, और क्योंकि यहाँ पे आपने ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाया तो कैप वाली पार्टी आपको बैलेंस अमाउंट दे देगी। अल्टीमेटली आपका जो खर्चा है ये 12% से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही 15 हुआ तो आपको कैप वाली पार्टी 3% दे देगी, आपका 12 से खर्चा ऊपर नहीं जाएगा। और -8 जब हुआ तब आपको सिर्फ 8 ही पे करना है, तो कैप ऑप्शन आपको कुछ, कैप पार्टी आपको कुछ भी नहीं देगी, क्योंकि कैप पार्टी क्या बोलती है, 12 के ऊपर देना पड़ा आपको तो मैं जाके आपको दूंगा कुछ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कहीं पे भी -10, -11, -8 12% के ऊपर नेट में नहीं पड़ रहा है ये लोन। अब आप सोचोगे सर कैप पार्टी का क्या फ़ायदा, फ़ायदा है सर, उसको हर पॉइंट पे प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि आपने उसको हर पॉइंट पे सिक्योरिटी दी। अब इसमें मार्केट में रेट नहीं बढ़े तो उसमें कैप पार्टी की क्या गलती। इसी तरह से सर फ्लोर काम करेगा। लास्ट टॉपिक है सर हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ध्यान से देखेंगे।
इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हमने लोन ले लिया फ्लोटिंग पे, हम अगर फ्लोटिंग रेट पे लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमको लगता है आने वाले समय में रेट गिरने वाले हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे, अगर आने वाले समय में आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, यह है इंटरेस्ट रेट, 8, 10, 12, 14, 16 कुछ भी ले लो अभी तो 18। अब आपको लगता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरने वाले, तो आप चाहोगे कि भैया गिरे हुए रेट पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करो, तो जो आप 18% यहाँ पे दे रहे थे वो यहाँ पे सिर्फ 10% देना पड़ेगा आने वाले समय में, 4-5 साल बाद में। तो आप फ्लोटिंग रेट पे लोन ले लेते हो। आप फिक्स रेट पे कब लोन लेते हो? तो इस केस में आप फ्लोटिंग पे लोन लोगे। अब आप बताओ फिक्स रेट पे लोन कब लेते हो? 8, 10, 12, 14, 16, 18 जब आपको मार्केट में लगता है कि यार आने वाले समय में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो आप चाहते हो क्या कि आज 10% पे लोन लो, फिर अगले साल 12% चुकाओ उस पर, फिर 14 चुकाओ और फिर 16 चुकाओ, फिर 18% चुकाओ? नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि ज़्यादा पेमेंट करे। इसीलिए कोई भी चाहेगा कि मैं एक रेट फिक्स कर लूँ, लेट से 12%, भले ही मेरे को आज ज़्यादा देना पड़ रहा हो लेकिन आने वाले समय में 12 ही देना पड़ेगा जब मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे। तो ये आपने ले लिया फिक्स रेट लोन, और यहाँ आपने लिया था सर फ्लोटिंग रेट लोन। तो एग्जैक्टली जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट जाएगा मार्केट में, वैसे वैसे आपको चुकाना पड़ेगा। तो आपने जो लोन लिया वो रेड कलर से दिख रहा है, मार्केट में जो रेट चल रहे हैं वो ब्लैक कलर से दिख रहा है। आई बात समझ में? अब बारी आती है स्वैपिंग की। क्यों? आपने ले लिया मार्केट में रेट गिरने वाले हैं ये सोच के फ्लोटिंग रेट पे लोन ले लिया, बट अब आपको लग रहा है कि कहीं मार्केट में रेट बढ़ ना जाए, रिस्क है सर। मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ी चलेगा हमेशा, मैं कोई जादूगर या ज्योतिषी थोड़ी हूँ जो मैंने बोला सोचा जो वही होगा ना। मार्केट में अगर मेरे अगेंस्ट सोचे हुए अगेंस्ट में रेट जाने लगते हैं तो मुझे डर सताएगा। अब अगर सोचो फ्लोटिंग रेट पे लोन ले लिया और मार्केट में रेट गिरने की बजाय बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो मुझे भी ज़्यादा रेट पे लोन चुकाना पड़ेगा। और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है तो मैं फ्लोटिंग रेट लोन लेने के बाद में शिफ्ट होना चाहूँगा फिक्स रेट लोन पे, कि कुछ ऐसा करो, बैंक को तो देना ही है फ्लोटिंग, वो मेरा नेट पेमेंट हर साल का फिक्स में कन्वर्ट हो जाए। और कुछ एक पार्टी आपको ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसका एग्जैक्टली अपोजिट व्यू है। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट के ऑब्लिगेशंस को एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ में इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशन एक्सचेंज करना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में दो ऐसी पार्टी है जिनका लोन का अमाउंट सेम है, जिन एक फिक्स पे लोन ले चुका है दूसरा फ्लोटिंग पे लोन ले चुका है। जो पहली पार्टी है ये इधर शिफ्ट होना चाहती है, मतलब फिक्स रेट पे शिफ्ट होना चाहती है, दूसरी पार्टी फ्लोटिंग पे शिफ्ट होना चाहती है, कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है जो आपकी स्वैपिंग करने में मदद करेंगे। वो तीन कंडीशन क्या है सर? ये तीन कंडीशन हमेशा आप याद रखना। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप? सबसे पहले कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए पार्टीज के। मुझे फिक्स पे शिफ्ट होना है और उसे फ्लोटिंग पे शिफ्ट होना है, तभी इन दो पार्टीज के बीच में स्वैपिंग हो पाएगी। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स रेट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोटिंग रेट। कब कैसे पॉसिबल है ध्यान देना। मान लो ए है बी है, फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट, ए मार्केट में लोन लेने जाता है उसे 11% पे लोन मिलता है, बी मार्केट में लोन लेने जाता है उसे 10.5% पे लोन मिलता है, 10.5 नहीं 8% पे लोन मिलता है। तो यार बी को तो सस्ते में मिल रहा। अब अगर फ्लोटिंग, अच्छा ए अगर फिक्स पे ना ले और फ्लोटिंग पे लेने जाए तो उसे लेट से लाइबोर प्लस 1% पे लोन मिल रहा है, लाइबोर प्लस 2% पे लोन मिल रहा है, और अगर बी फ्लोटिंग पे लेने जाए तो उसे लाइबोर प्लस 1% पे लोन मिल रहा है। यहाँ पे एडवांटेज है बी को, क्योंकि फिक्स में भी उसे कंपैरेटिवली सस्ता मिल रहा है और फ्लोटिंग में भी उसे सस्ता मिल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन फिक्स रेट इज 3%,
11 और 8, एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग रेट इज 1%, और इन दोनों का डिफरेंस है 3 - 1 यानी कि 2%। कभी भी फिक्स रेट का डिफरेंस फ्लोटिंग से ज़्यादा होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है सर, अगर प्लेन वैनिला स्वैप है, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, तो उसमें करेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, रुपीस रुपीस, अमाउंट भी जो है लोन की दोनों की सेम होनी चाहिए, 1000-1000 करोड़, तभी ये स्वैपिंग पॉसिबल है सर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ गई। अब ये स्वैप के ट्रांजेक्शन सर होते कैसे हैं, अब ये सब तो यार पूरा क्वेश्चन कराने जैसे ही बात हो गई, इसमें क्या तो रिवीजन करवाऊँ मैं। ठीक है, ध्यान दे दो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। लेट से देर आर टू कंपनीज, रिमको एंड विमको। रिमको को फिक्स रेट लोन पड़ रहा है 11%, विमको को 10.25 पड़ रहा है। फ्लोटिंग रेट अगर रिमको लोन लेना चाहे तो माइबॉर प्लस 1% और यह है माइबॉर प्लस 1.75%। अब अगर आप दोनों के बीच में, यहाँ आ जाओ, सबसे पहले स्टेप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया है कि स्वैपिंग करना है दोनों पार्टी के बीच में, अब रिमको को शिफ्ट होना, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बता देता हूँ ना क्या है। हाँ, रिमको को फिक्स रेट पे शिफ्ट होना है और विमको को फ्लोटिंग पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो रिमको क्या चाहता है, फिक्स रेट पे लोन लेना चाहता है, विमको चाहता है फ्लोटिंग पे। ठीक है, स्वैपिंग अगर दोनों में करवानी है तो इसके दो फायदे, दो पर्पज हो सकते हैं। ये दोनों स्वैपिंग क्यों करेंगे, सबसे पहली बात, क्योंकि इनको मार्केट में ये जो लोन पड़ रहा है 11% का, इससे सस्ते रेट में फिक्स रेट में मैं कन्वर्ट करा के दे सकता हूँ स्वैपिंग के थ्रू। नहीं समझा, ध्यान देना। रिमको को फिक्स रेट पे लोन चाहिए, उसे कहो मार्केट में जाए और लोन ले ले, उसे कितने का लोन, फिक्स रेट लोन पड़ेगा 11% का। विमको को फ्लोटिंग में चाहिए तो मार्केट में कितना रेट पड़ रहा है, माइबॉर प्लस 1.75%। लेकिन दोनों पार्टीज अपना पर्पस अचीव कर सकती है, इसको फिक्स चाहिए फिक्स मिलेगा, फ्लोटिंग चाहिए फ्लोटिंग मिलेगा, और इनसे भी कम दाम में, सस्ते में अगर कोई चीज मिल रही है तो इंसान क्यों नहीं करना चाहेगा, और वो मिल रहा है स्वैपिंग के थ्रू। ठीक है, कैसे सर, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो आप निकालो कि सर पूरे ट्रांजेक्शन में फायदा कितना हो सकता है दोनों पार्टी को मिला के, इसको कहते हैं क्वालिटी स्प्रेड। इसको कहते हैं सर क्वालिटी स्प्रेड। और क्वालिटी स्प्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स रेट माइनस डिफरेंस बिटवीन द फ्लोटिंग रेट। तो अब आप फिक्स रेट के बीच में डिफरेंस निकालो, 11 - 10.25 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.75, और उसके बाद फ्लोटिंग में निकालो डिफरेंस। याद रखें 11 - 10.25 किया ना, तो यहां पे भी माइबॉर प्लस 1% माइनस माइबॉर प्लस 1.75 करे तो आपको समझ में आएगा, माइबॉर माइबॉर तो कैंसिल, एक में से 1.75% अगर माइनस करोगे तो आंसर आता है -7.5%। यहां साइन मैटर करता है। अब ये डिफरेंस में से ये डिफरेंस हटा दो तो आप बोलोगे सर ये माइनस ये, अब ये माइनस माइनस साइन हो गया प्लस, टोटल गेन इज 1.5%। यानी इस पूरी कहानी में दोनों पार्टीज को 1.5% का गेन हो सकता है। बात आती है सर 1.5% का गेन का मतलब क्या है, कि रिमको फिक्स रेट पे लोन ले सकता है इससे कम दाम में। अब ये टोटल गेन जो है दोनों पार्टीज मिलके डिसाइड करेगी कि हम कितना शेयर करेंगे। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं है ये माना जाएगा कि सर इक्वल शेयर हो रहा है, तो इक्वल शेयर होने दो 0.75 0.75। यानी रिमको को फायदा इतने परसेंट का होना चाहिए, विमको को फायदा इतने परसेंट का होना चाहिए। सर इतने परसेंट का फायदा, इसका मतलब क्या कि मार्केट में जब वो लोन लेने जाता तो 11% पे मिलता, अगर स्वैपिंग के थ्रू उसे 10.25% में लोन मिल जाए तो आप ध्यान दो 11 की जगह अगर 10.25 में मिल रहा तो 0.75 का उसका फायदा हो रहा है। और सेम चीज सर विमको को भी है,
0.75 का फायदा दिलाना है फ्लोटिंग में, तो माइबॉर प्लस 1.75 पे मिल रहा, क्या इसे माइबॉर प्लस 1% पे अगर लोन मिल जाए तो मैं कहूँगा कि यार 0.75% सस्ता मिल रहा है स्वैप में, ये पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है। पहला स्टेप क्वालिटी स्प्रेड निकाला, दूसरा स्टेप शेयर डिवाइड कर दो कौन कितना लेना चाहता है, और क्योंकि ये ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होता है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दोनों पार्टी डिसाइड कर सकती है कौन कितना लेगा। फिलहाल हम मान के चलते हैं इक्वल शेयरिंग होगी। अब बात आती है सर तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या बोलता है, जिस रेट पे लोन लेना चाहते थे ना उसके अपोजिट रेट पे इनको बैंक से लोन लेने को बोलो। तो रिमको लोन लेगा फ्लोटिंग पे, विमको लोन लेगा फिक्स पे। तो जब बैंक को इंटरेस्ट चुकाने की बारी आएगी तो रिमको चुकाएगा फ्लोटिंग देके, विमको चुकाएगा फिक्स देके। अब देखो कहानी में क्या मजा आता है। रिमको जब बैंक को लोन का इंटरेस्ट चुकाएगा तो फ्लोटिंग पे, क्योंकि उसने फ्लोटिंग पे लोन लिया है, वो चाहता फिक्स पे था इसलिए हमने उसको अपोजिट लोन दिलवाया, और ये चाहता फ्लोटिंग पे है तो इसको हमने अपोजिट दिलवाया फिक्स। तो बैंक को रिमको ने माइबॉर +1% दिया और विमको ने भी बैंक को 10.25 दिया उल्टा। अब बहुत ही सिंपल सी बात, विमको से लेके चलते हैं, या विमको लो या रिमको लो। तो रिमको ने ये लोन, ये इंटरेस्ट दिया बैंक को, ये वापस ले लेगा ये विमको से। यहां से तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको समझना, सिंपल भाषा में समझाता हूं। दिस इज रिमको, दिस इज विमको, दिस इज बैंक एंड दिस इज बैंक। ध्यान देना, रिमको ने बैंक से फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया तो रिमको लोन चुकाएगा माइबॉर +1% पे, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, और विमको चुकाएगा 10.25% पे। अब इन्होंने जो बैंक को दिया वो दूसरी पार्टी से वापस ले लो, कोई भी एक जन। तो विमको जो है रिमको को वापस दे देगा जो रिमको ने बैंक को दिया, क्या माइबॉर +1%। इधर साइड प्लस लिखा है यानी ये रिमको को मिला है, उधर साइड माइनस लिखा है यानी विमको ने दिया है, ठीक है। अब रिमको वापस क्या देगा विमको को, जितना विमको ने बैंक को दिया है 10.25%, और ये हो गई स्वैपिंग कंप्लीट। किसी भी एक पार्टी के एंगल से देखो तो आपको फायदा नजर आएगा। रिमको के एंगल से देखते हैं, रिमको ने पहले M+1 दिया, फिर M+1 लिया और फिर 10.25 दिया, तो नेट में अगर देखोगे तो 10.25 दिया, ये है स्वैप के तहत उसने जो चुकाया। अगर मार्केट में डायरेक्ट लोन लेने जाता फिक्स रेट का, ये सब झंझट ना करते हुए, तो उसे 11% में लोन लेना पड़ता, यानी उसको अब 0.75 कम चुकाना पड़ रहा है, ये उसका फायदा है। वैसे ही विमको की बात करते हैं, विमको ने बैंक को दिया 10.25%, वापस ले लिया 10.25% और उसको रिमको को दिया M+1, तो नेट में आया M+1%। बैंक से डायरेक्ट फ्लोटिंग पे लेता तो उसको पड़ता M+1.75, यानी उसको देख रहा हूँ स्वैप के तहत उसको 0.75% सस्ता पड़ रहा है। खत्म दोनों का गेन। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बट ऐसा प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम आती है इस पूरे स्वैपिंग में। प्रॉब्लम ये आती है, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होता है तो दो पार्टी मिलकर डिसाइड करती है। अब इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि सर रिमको रियल लाइफ में ढूंढेगी कैसे विमको को, क्योंकि आप बोलते हो कि हम फ्लोटिंग पे शिफ्ट होना चाह हम फिक्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वो फ्लोटिंग पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ऐसी पार्टी होना चाहिए। ये मुंबई में बैठा, ये दिल्ली में बैठा, दोनों मिलेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा? मैं ढूंढूं कहाँ, फेसबुक पे पोस्ट डालूं सर, व्हाट्सएप करूं सब लोगों को, या जो जो से चिल्लाऊं यूट्यूब पे कि कोई ऐसा है क्या, मैं दुकान के बाहर बोर्ड लगा के बैठ जाऊं, स्वैपिंग करना चाहता हूं, कोई इंटरेस्टेड है तो अंदर आ जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली टू फाइंड द अदर पार्टीज, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलर
हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कि एक बीच में इंटरमीडियरी होता है जो दोनों पार्टी की मदद करता है. एक सेकंड ना, अब एक बीच में डीलर होता है जो दोनों पार्टी की मदद करता है और उसे कहा जाता है बैंक. बैंक आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली में भी है, आईसीआईसीआई बैंक मुंबई में भी है. अब ये बैंक पूरा सेंट्रलाइज्ड होती है, तो दिल्ली में किसी ने स्वैप की रिक्वेस्ट डाली होगी ना, तो मुंबई में पता चल जाएगा, और मुंबई में कोई आया होगा तो मुंबई वाले दिल्ली को बता देंगे. तो ऐसा पूरा एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा जितने भी ऐसे रिक्वेस्ट आई, और ये लोग फिर ऐसी पार्टीज को मैच करवाते हैं. और ये तो काम फ्री में कोई नहीं करेगा, इसलिए डीलर भी अपना कमीशन रखता है. अब इस केस में अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि पूरे केस में सर ये बताओ, व्हाट वुड बी द ट्रांजेक्शन अगर डीलर अरेंजिंग द स्वैप बिटवीन दीज टू पार्टीज वॉन्ट्स टू कीप 0.5% आउट ऑफ 1.5%. देखो टोटल प्रॉफिट तो आपका 1.5 ही रहेगा, इसमें से कमीशन अगर आपने 0.5 दे दिया तो बचा 1% जो कि दो पार्टी में शेयर होना है, रिमको और विमको, ये अपने आप डिसाइड कर लें. अगर डिसाइड नहीं किया तो इनमें भी हम आधा आधा बांटेंगे, यानी 0.5 0.5, यानी अब तीनों का कमीशन, मतलब तीनों का प्रॉफिट, ये दोनों का प्रॉफिट इतना होना चाहिए और कमीशन इसका इतना होना चाहिए. ठीक है, अब ये वाले ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का ये पूरा PDF क्लास नोट्स का आपको MCQ ऐप में कॉन्फ्रेंस वाले में मिलेगा कुछ टाइम तक, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और ये वाला पूरा ट्रांजेक्शन देखें. अब इसमें टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारे चीज़ें समझाया हुआ है, तो ये आप देख लो कि आपकी कहानी खत्म. इसी तरह से इंटरेस्ट रेट स्वैप्स सर एग्री होते हैं, और भी तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है जो हमने देखे हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स पर. यहीं कहानी खत्म करते हैं सर इंटरेस्ट रेट स्वैप पे. आगे अब बात करेंगे स्वैप्स. स्वैप्स का एक पार्ट और था, स्वैप्स का वैल्यूएशन जो आपके सिलेबस में अभी तक है नहीं. अगर आपकी जो पार्टी है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट पेयर, जो फ्लोटिंग रेट पे करना चाहता है, तो उस केस में स्वैप का वैल्यूएशन बॉन्ड की वैल्यू एट द फिक्स रेट, बॉन्ड की वैल्यू माइनस एट द फ्लोटिंग रेट. क्या है सर, मतलब नहीं समझा, ध्यान देना. 0 पॉइंट पे जब दो पार्टी स्वैप एग्रीमेंट में एंटर होती है तो दोनों के स्वैप की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, क्योंकि अगर किसी को भी फायदा होना रहा तो दूसरे को नुकसान आ जाएगा, वो चीज़ वो नहीं होना चाहिए. स्वैप एग्रीमेंट खत्म उधर हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे आगे जाके, क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस और मार्केट में रेट्स बदल जाते हैं, यहाँ पे आप स्वैप की वैल्यू निकालना चाहो तो पॉसिबल है. कैसे सर पॉसिबल है, डिपेंड करता है कौन सी पार्टी निकाल रही है. एक तो होता है सर फ्लोटिंग रेट पेयर, और दूसरा होगा फिक्स रेट पेयर. ठीक है, दो पार्टी ऐसी होगी ना, फ्लोटिंग पेयर फिक्स पेयर. तो इसके लिए स्वैप की वैल्यू निकालना, क्यों, बहुत ही सिंपल सी बात है, मिल कितना रहा है और दे कितने रहे, फ्लोटिंग दे रहा है ना हम, तो स्वैप की वैल्यू इज बॉन्ड की वैल्यू एट फिक्स रेट माइनस बॉन्ड की वैल्यू एट फ्लोटिंग रेट. यहाँ स्वैप की वैल्यू इज बॉन्ड की वैल्यू एट फ्लोटिंग माइनस बॉन्ड की वैल्यू एट फिक्स. सर कैसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल, जो आप पे कर रहे हो अभी आपका प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर, 10 रुपये मिला, 8 रुपये पे किए, तो 2 रुपये बचाना. जो आप देते हो ये बाद में लिखते हो, जो मिलता है पहले लिखते हो, तो आपको पता चलता है आपका प्रॉफिट कितना, पॉजिटिव में आंसर तभी आता है. सिंपल सी बात है, फ्लोटिंग पे किया तो फ्लोटिंग रेट से बॉन्ड की वैल्यू को बाद में रखो, फिक्स पे किया तो फिक्स की रेट से बॉन्ड की वैल्यू को बाद में रखो, और पहला वाला आपका रिसिप्ट है. तो ये हमेशा रिसिप्ट वाला कॉलम रहेगा, ये आपका पेमेंट वाला कॉलम रहेगा. अब सर बी फिक्स बी एफ एल होता क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन देखा है ना आपने, उसमें हम बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि कूपन इंटरेस्ट जो मिलने वाला है आने वाले टाइम में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और मेच्योरिटी पे बॉन्ड का जो रिडेम्पशन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को टोटल करते हो तो बॉन्ड की वैल्यू निकलती है, ये वही है. बस फिक्स रेट पे बॉन्ड की वैल्यू निकालना आसान होता है, फ्लोटिंग रेट में अलग 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 कूपन रहेगा, अलग अलग रेट रहेगा, तो उस पर आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा अभी तक तो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल. आगे हैं सर, लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं अब, दैट इज स्वैप्शन. अच्छा नहीं, एक और टॉपिक बचा है आपका जो है सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप्स क्या होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप्स, 4 तरह के टाइप होते हैं. सबसे बेसिक स्वैप होता है फिक्स रेट लो फ्लोटिंग दो,
फिक्स टू फ्लोटिंग वाला जो स्वैप होता है उसे कहते हैं प्लेन वैनिला इंटरेस्ट रेट स्वैप, फिक्स टू फ्लोटिंग। दूसरा होता है सर बेसिस रेट स्वैप। अब मैं चार्ट के थ्रू ही समझा देता हूँ आपको, ध्यान देना। तो हम बात करेंगे सर प्लेन वैनिला स्वैप की, फिक्स लो फ्लोटिंग दो। फिक्स टू फ्लोटिंग स्वैप जो होता है उसे प्लेन वैनिला स्वैप कहते हैं। दूसरा होता है सर बेसिस रेट स्वैप, जिसमें फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग स्वैप होता है, यानी फ्लोटिंग लाइबॉर लो फ्लोटिंग माइबॉर दो। तो इसमें बेसिस जो है दोनों के फ्लोटिंग का, दोनों फ्लोटिंग फ्लोटिंग है लेकिन बेसिस जो है वो अलग अलग है। एक फ्लोटिंग है, एक फ्लोटिंग है लाइबॉर के बेसिस पे, एक फ्लोटिंग है माइबॉर के बेसिस पे, या कोई और भी बेसिस हो सकता है। तीसरा है सर असेट रेट स्वैप। अब असेट रेट स्वैप में क्या होता है, इट्स सिमिलर टू प्लेन वैनिला स्वैप, बट फर्क कहाँ है। यहाँ पे जो प्लेन वैनिला, इसमें फिक्स रेट ऑन लोन फ्लोटिंग रेट ऑन लोन की बात होती है, फिक्स रेट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लोटिंग रेट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है। सिंपल है ना, क्योंकि लोन आपने फिक्स रेट पे लिया या लोन आपने फ्लोटिंग पे लिया, तो वो यहाँ आता है। लेकिन असेट रेट स्वैप में क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें होती है, असेट अलग अलग होता है। तो असेट कैन बी बॉन्ड कि फ्लोटिंग रेट पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। दोनों में स्वैपिंग क्या होती है, देखो ये दो पार्टी है, इसने इन्वेस्टमेंट किया है और इसने लोन लेके रखा है। अब इसने इन्वेस्टमेंट किया है किसी बॉन्ड में, फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड में, और इसने लोन लेके रखा है फिक्स रेट। अभी लोन भी मत लो, हम क्या लें इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ले लो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है किसी फिक्स रेट पे। तो सोचो यहाँ पे आपका जो बेसिस है, ये बेसिस, अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये लो फिक्स रेट पे, नहीं आप लोग इक्विटी शेयर्स खरीद कर रखे, अब दोनों फ्लोटिंग है पॉसिबल। अब यहाँ पे देखोगे तो इस केस में आपका असेट है बॉन्ड, उस केस में आपका असेट है इक्विटी, यहाँ पे आपका असेट अलग अलग है। लोन वोन जैसा सिंपल नहीं है, असेट अलग अलग है। अब कोई चाहता है कि किसी को लगता है कि यार बॉन्ड की वैल्यू जो है मार्केट में गिरने वाली है, तो मैं बॉन्ड अभी बेचना नहीं चाहता, तो इसके कूपन में इधर शिफ्ट कर दूंगा अगर वो चाहता है तो, और उसके कूपन में इधर ले लूंगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अगेन आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ना रखते हुए आप सिंपल वन इन्वेस्टमेंट फिक्स पे भी रख सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है। अगर इस पार्टी को फ्लोटिंग लगता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा, तो वो फ्लोटिंग ले लेगा और फिक्स दे देगा, और इसको लगता है कि फ्लोटिंग गिरने वाला है तो फ्लोटिंग देगा और फिक्स ले लेगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका जो असेट है वो है बॉन्ड, असेट बदलता है वहाँ पे, असेट ट्रेड बॉन्ड कहा जाएगा। सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अ प्लेन वैनिला स्वैप, द की डिफरेंस इज द अंडरलाइंग ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट रादर देन द रेगुलर फिक्स फ्लोटिंग लोन इंटरेस्ट रेट, लोन बींग स्वैप्ड, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट्स आर बींग स्वैप्ड। यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट बदलते हैं, ये भी पॉसिबल है ना सर। इन्वेस्टमेंट ले लो, अभी आप अमोर्टाइजिंग रेट स्वैप पे आओ। अमोर्टाइजिंग रेट स्वैप और प्लेन वैनिला स्वैप फिर से सेम है, फर्क कहाँ है, फर्क यह है सर, 1 2 3 4 5 पाँच साल का स्वैप था। प्लेन वैनिला में क्या होता था, लाइबॉर लो, लाइबॉर वर्सेस 8% का स्वैप था, लाइबॉर लो 8% दो, ये स्वैप था और ये लगता था नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट 100 करोड़ पे। प्लेन वैनिला में क्या होता था, हर बार नोशनल अमाउंट 100 करोड़ होती थी जिस पे ये लाइबॉर और 8% कैलकुलेट होता था। अमोर्टाइजिंग रेट स्वैप में क्या होता है, सेम टू सेम लाइबॉर वर्सेस 8%, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये गिरती जा रही है। तो इस बार लाइबॉर 100 पे और 8% 100 पे कैलकुलेट हुआ, अगली बार 80 पे ही होगा, अगली बार 60 पे ही होगा। तो ये हो गया सर अमोर्टाइजिंग रेट स्वैप, जहां पे नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट गिरती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सर आपका स्वैप्शंस। स्वैप्शंस बहुत ही सिंपल सी बात है, यही स्वैप वाली बातें हैं। अब आप लोन लेना चाहते हैं, यहां पे लोन लेना चाहते हैं फ्लोटिंग पे, क्यों आप यहां पे हो जीरो पॉइंट पे, आज से ठीक 3 महीने बाद आपको मार्केट में लोन की जरूरत पड़ेगी और आपको लगता है कि उसके बाद ना लोन गिरने वाले इंटरेस्ट रेट, तो आप फ्लोटिंग पे लेना चाहोगे।
ठीक है, डिसाइड कर लिया, ले लेना 3 महीने बाद में लोन। लेकिन डर क्या है कि जब मैं लोन लेने जाऊंगा तब कहीं सर, तब कहीं अगर ऐसा हो गया कि मतलब मैंने मान लो लोन ले भी लिया और उसके बाद 1-2 साल बाद में मेरे को ऐसा हो गया कि रेट बढ़ने वाले हैं, तो ये तो रिस्क रहता है फ्लोटिंग लोन में, तब आप उसको स्वैप ज़रूर करवाना चाहोगे। आपके पास FRA ऑप्शन है, आपके पास फ्यूचर्स ऑप्शन है, ऑप्शन भी कैप कैप कॉलर भी ऑप्शन है, एक स्वैपिंग भी तो ऑप्शन है, आपको अगर फ्यूचर में लगा तो स्वैपिंग कर लेना। लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप का ये जो एग्रीमेंट है, जब आप लोन लोगे तब लेना। प्रॉब्लम देखो क्या है, बताता हूँ। लोन आपको यहाँ चाहिए, आपका अगर व्यू बदला तो आप स्वैप एग्रीमेंट यहाँ ले लेना। लेकिन सर मेरे को क्या लग रहा है ना, आज अगर मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर करता हूँ, आज अगर मैं किसी पार्टी के साथ में स्वैपिंग करता हूँ, तो वो मुझे कोट कर रहा है लाइबॉर +8%, यानी कि लाइबॉर वो मुझे दे देगा क्योंकि मैं बैंक को देने वाला हूँ, तो मुझे लाइबॉर दे देगा और मुझे सिर्फ 8% चुकाना है। लेकिन मुझे आज तो लोन चाहिए, नहीं तो ये बेकार के 3 महीनों के लिए क्यों मैं स्वैप लूँ। ठीक है, बात आती है सर, आप एक काम करना ना, यहाँ पे 3 महीने बाद में स्वैप ले लेना। मुझे डर है सर कि जब मैं 3 महीने बाद में स्वैप लेने जाऊंगा तब मुझे ये कोटेशन मिलेगा लाइबॉर वर्सेस 10% का, और मैं नहीं चाहता कि उसी लाइबॉर के बदले में मुझे 10% चुकाना पड़े। इसीलिए एक चीज़ आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो है सर इंटरेस्ट रेट स्वैप पे भी आप ऑप्शन खरीद लो, जिसे हम स्वैप्शन कहते हैं, यानी कि आपके पास में एक राइट रहेगा। आज अगर आप ऑप्शन खरीद लेते हो तो इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी जिसमें लाइबॉर वर्सेस लेट से 9% डिसाइड हो गया, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है लेकिन इससे तो कम है। ये अगर आप ले लेते हो, इसके मतलब क्या होता है ध्यान देना, आज से ठीक 3 महीने बाद आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट में एंटर होना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगा तो ये एक्सरसाइज करना है, वरना मत करना। अब आप कब एक्सरसाइज करोगे कब नहीं करोगे ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एल वर्सेस 8 चल रहा था, यहाँ पे एल वर्सेस 9 में स्वैप्शन आपको मिल रहा है, तो यह है डेरिवेटिव मार्केट, यह है स्पॉट मार्केट। आपने स्वैप्शन खरीद लिया, 3 महीने जैसे ही खत्म हुए आपने पता किया कि आज अगर मैं 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट स्वैप लेने जाता हूँ तो क्या रेट मिल रहा है मार्केट में। दो चीज़ें पॉसिबल है, एल वर्सेस लेट से 11% चुकाना पड़ रहा है या एल वर्सेस 7% ही चुकाना पड़ रहा है। अब अगर मार्केट में स्वैप लेने के लिए लाइबॉर मिल रहा है और 11% चुकाना पड़ रहा है, तो यहाँ आप एल वर्सेस 9 वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। लेकिन अगर मार्केट में स्वैप 7% पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करोगे और मार्केट वाले रेट पे आप स्वैपिंग करवा लोगे एल वर्सेस 7%, क्योंकि स्वैप में भी एंटर होना कि नहीं होना ये आपके ने ऑप्शन खरीद लिया था। तो देखो ना, आपको जहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ जाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये स्वैप्शन खरीदने के लिए आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है, जैसे कॉल पुट ऑप्शन होते हैं वैसे। अब स्वैप्शन के कुछ मतलब, मीनिंग, यूजेस, फीचर्स सब देख लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ समझो, ये स्वैप ऑप्शन आप एक्सरसाइज कहाँ करोगे, यहाँ पे, इस पर भी बात करेंगे। ये जो स्वैप ऑप्शन है इसको पढ़ा कैसे जाता है सर, ये 3 महीने बाद आपका स्वैप ऑप्शन खरीदा जाएगा, खत्म हो जाता है। सो ये 3 महीने का स्वैप ऑप्शन कहलाएगा, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ध्यान देना। एन इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन इज सिंपली एन ऑप्शन ऑन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये आपको एक राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन, ध्यान देना। जो भी इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन खरीदेगा ना, होल्डर का है, जो भी स्वैप ऑप्शन इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन का होल्डर है उसके पास में एक राइट होगा, ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि वो चाहे तो एंटर कर सकता है इंटरेस्ट रेट स्वैप में किसी स्पेसिफिक डेट पे फ्यूचर में एंड एट अ फिक्स्ड रेट, रेट आज ही फिक्स हो जाएगा। आगे देखो, एक तरह से इसे कहा जाएगा एन ऑप्शन ऑन एन फॉरवर्ड स्टार्ट इंटरेस्ट रेट स्वैप, ऐसा स्वैप जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा उस पर आज ही ऑप्शन खरीद लो। इसे पढ़ा कैसे जाता है, 3 मंथ इंटू 5 ईयर स्वैप्शन का मतलब क्या होता है कि आज से ठीक 3 महीने बाद आपको डिसाइड करना होगा कि 5 साल वाले स्वैप में आपको एंटर होना है कि नहीं होना है, आपके पास में ऑप्शन रहेगा। बी सीन एज
चलो ये तो पढ़ ही लिया। ऑप्शन पीरियड कितने का होता है? ये जो स्वैप ऑप्शन का पीरियड है, ये 3 महीने का पीरियड है आपके पास में। ऑप्शन का पीरियड 3 महीने का है, स्वैप का पीरियड 5 साल का है, डिफरेंस है ना। ये 3 महीने के अंदर डिसाइड करना है कि क्या मैंने 5 साल का एग्रीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन लिया है, राइट लिया है, ऑब्लिगेशन नहीं लिया, तो प्रीमियम देना पड़ता है। सर हर जगह दिया है हमने, कैप फ्लोर कॉलर में दिया है, डेरिवेटिव्स में भी, कॉल और पुट में भी दिया है, यहाँ पे भी देंगे। बेसिस पॉइंट में दिया जाता है, लेट से 20 बेसिस पॉइंट, 0.20%। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कौन कौन करेंगे सर? बहुत ही सिंपल, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में सर कोई लोन वोन लेना नहीं होता, ये सिर्फ 3 महीने की खेल खेलते हैं। 3 महीने के खेल में कैसा होगा मैं आपको ध्यान दो बताता हूँ। सिर्फ स्पेकुलेशन के पर्पज से L+L वर्सेस 9% है ना, प्रिंसिपल अमाउंट लेट से 100 करोड़ है, इसका मतलब अब आपको 9% ही देने हैं। और यहाँ अगर मार्केट में रेट 11% चल रहा है, तो आपका 2% का फायदा है। स्वैप ऑप्शन खत्म कर दो, ऑप्शन खत्म, इंटरेस्ट रेट स्वैप खत्म, कोई लोन नहीं लेना सर, यहाँ पे मैं 2% 100 करोड़ पे लेके घर चला जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में लोन 11% पे मिल रहा है, यहाँ 9% ही चुकाना पड़ रहा स्वैप में। तो एक पर्पस होता है स्पेकुलेशन पर्पस। इसके बाद में आप हेजिंग कर सकते हो, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, ये हेजिंग वाला ही ऑप्शन था कि मुझे लेना है, रिस्क कम करना है, इसलिए मैं पहले से खरीद के रख रहा हूँ। स्पेकुलेशन हेजिंग दोनों पर्पस आ गए आपके। उसके बाद में कोई बोरोइंग करना चाहता है किसी के एक एक्सेप्टेबल रेट पे, तो वो भी फिक्स कर सकता है अभी से ही कि क्या रेट होना चाहिए। कुछ बिजनेसेस जो कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे भागते हैं, उनके लिए कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, बस पढ़ लोगे तो खत्म हो जाता है। लास्ट टॉपिक है सर आपका कैटेगरीज। 3 तरह की कैटेगरी होती है इस ऑप्शन में, बर्म्यूडियन, यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन, इस ऑप्शन। आपको ये 3 महीने का पीरियड दिख रहा है, इस 3 महीने के अंदर में आपको एक्सरसाइज करना है, आपको बताना है कि क्या आप ये जो 3 महीने का पीरियड है, इसके अंदर आपको बताना है कि क्या आप इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर होना चाहते हैं। अब ध्यान दो, एक बार यहां पे अगर आपने ऑप्शन स्वैप्शन खरीद लिया 0 पॉइंट पे, तो 3 अलग अलग स्वैप्शन के टाइप होते हैं। सबसे पहले आज ऑप्शन खरीदने के बाद में सिर्फ आपको डिसीजन लेने का टाइम यहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पे। जब आपको डिसीजन सिर्फ आखिरी में लेने मिल रहा है, यानी एट मेच्योरिटी, कि आपको स्वैप में एंटर होना है कि नहीं होना है, इसे कहा जाता है सर यूरोपियन स्वैप्शन। अगर आपको इस 3 महीने के दौरान कभी भी ऑप्शन को, इस स्वैप ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का राइट मिलता है, आप कभी भी डिसाइड कर लो कि आपको स्वैप एग्रीमेंट में एंटर होना कि नहीं होना, तो अमेरिकन ऑप्शन स्वैप्शन। लेकिन ना आखिरी में ना कभी भी, आपको कुछ स्पेसिफिक डेट्स दे दी जाती है, 3 4, इन डेट्स जब जब आएगी तब आपको डिसीजन लेने का अधिकार मिलेगा कि क्या आपको 5 साल के एग्रीमेंट में एंटर होना है कि नहीं होना। डेट गई, अब आप डिसीजन नहीं ले सकते, अगली डेट का इंतजार करो। फिर डेट गई, अगली डेट का इंतजार करो। तो कुछ स्पेसिफिक डेट है, कभी भी नहीं या खाली आखिरी में भी नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसे कहा जाएगा सर आपका बर्मोडियन। स्वैप्शन, समझा? और आप ये कॉल और पुट में भी देख चुके हो, कॉल यूरोपियन कॉल ऑप्शन को CE की तरह से पढ़ते हैं, PE की तरह से पढ़ेंगे पुट ऑप्शन यूरोपियन को, ये CA हो जाएगा, ये PA हो जाएगा, अमेरिकन कॉल ऑप्शन, अमेरिकन पुट ऑप्शन, यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन, बर्मुडियन में कॉल पुट में नहीं था अपने को, तो ये समझ में आया यूरोपियन किसे कहते हैं, आखिरी वाले को, अमेरिकन और बर्मुडियन। ये 3 डायग्राम भी निकाल लेना तो आपको सब समझ में आ जाएगा एक झटके में। दिस इज इट, दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे कनेक्टेड एंड कीप रिवाइजिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।